हेलो। हेलो। वेल सो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज पढ़ना वढ़ना मूड है क्या? है ना? नहीं है तो भी पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक लंबी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो, और मेरे साथ बोलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है, तो ये दिन की शुरुआत इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ होनी चाहिए। तो इस बार चलिए चलिए, तो यहाँ पे कल कुछ किया डीपी क्यू वगैरह, जो होमवर्क दिए था, दिए थे ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, वो किए ना कल, दो ही थे। अब कल के दो बचे और आज के चार, ऐसे छह देना पड़ेगा ना आज। हाँ, कल दिया था। अच्छा, किसने नहीं किया ऑनेस्टली बताओ। इधर किसने नहीं किया? क्यों बेटा? ऐप इज नॉट वर्किंग। आज ऐप पे बच्चों को प्रॉब्लम जा रहा है, चेक कर। अरे ये तो चैट पण दिसत नहीं है। बेटा कुछ बच्चों को हो सकता है ऐप नहीं वर्क कर रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन है ऐप पे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन है ऐप पे। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपकी इंटरनेट स्पीड वो भी उसको अफेक्ट करती है। तो क्योंकि यहाँ मेरे सामने ऐप चालू है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। चल, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने एक चार्ट डिजाइन किया था सेक्शन 7 का। अब देखो यहां पे थोड़ा मैं फ्लो समझा देता हूं, सभी ने ध्यान देना। दिस रिवीजन इज फॉर यू, नॉट फॉर मी, ठीक है? इसलिए सभी सभी में ध्यान देना। चलिए, यहां पे सेक्शन अगर हम बात करें तो हमने चालू किया था जहां से गंगा का जन्म हुआ, और सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या था? चार्जिंग सेक्शन 9-1, जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। कुछ याद आ रहा है क्या? लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। अच्छा, पर्सन लायबल टू पे टैक्स सिर्फ पर्सन होना चाहिए या टीपी होना? तो इसके आगे मैं उसको वर्ड यूज करूंगा टीपी, टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो पर्सन को टैक्स देना पड़ता है, जो पर्सन को टैक्स देना पड़ता है। कोई एक आधे बार मिलना चाहिए, ऐसा भड़ास निकालूंगा ना। हाँ, टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन? जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है, समझ में आया ना? दैट पर्सन इज टैक्सेबल पर्सन। अरे कल मैंने 20 मिनट्स का डिस्कशन किया उसके ऊपर, मजा आ गया क्या? एक लाइन पे 20 मिनट्स, मजा आ गया क्या? नहीं ना? और उसके बाद भी हाँ मुंडी हिलाते हो। ओके, टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद में लेवी, लेवी में
तीन पार्ट्स किए थे, तीन पार्ट्स किए थे, चार्ज, वैल्यू और रेट। समझ में आया क्या? चार्ज किसके ऊपर था बेटा? इंटर और क्या? इंट्रा। इंटर और इंट्रा। अरे कमेंट्स, हाँ गुड है राजेश, ओके। तो इंटर या इंट्रा स्टेट, और इंटर और इंट्रा स्टेट क्या था बेटा? सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब यहाँ पे अब जन्म होता है किसका? सप्लाई का, क्योंकि सेक्शन 9 कहता है लेवी किसके ऊपर है? सप्लाई पे। तो अब जन्म होता है सप्लाई का। अब सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। अब वो चार्ट सामने रखो, सेक्शन 7-1। अरे याद आए क्या? सप्लाई यानी क्या? 7-1, 7-2, कुछ याद आया? देखो 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 वो चार्ट को देखो, ओके। 7-1 में क्या? विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। फिर उसमें 7-1A, 7-1B, और 7-1A क्या कहता है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसेंट। तो भाई लेवी सप्लाई पे है, तो सप्लाई यानी क्या? ओके, उसका डिस्कशन हमारा चालू है। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। चलिए तो अब जो है यहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा, कल गुड्स का डेफिनेशन पे मैंने एंड किया था शायद, अरे ये सुन रहा हूं, तो कल हमने गुड्स के डेफिनेशन पे, हाँ कई कमेंट लॉजिक लेक्चर बैकअप जो है, अरे जीएसटी जो अपलोड झाले का बैकअप फेस टू फेस वाला ना, नहीं आज ऑन प्रायोरिटी अर्जेंट, ठीक है कहीं कर देना सर। चलिए तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स की डेफिनेशन में आपका पहला पॉइंट आना चाहिए एवरी काइंड ऑफ नोबल प्रॉपर्टी, पूछा नहीं जाएगा ओके, पर आपको कहीं पे रिमार्क में लिखना रहा, कहीं पे नोट्स में लिखना रहा, ओके, तो आपको ये वर्डिंग्स याद रखना है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिफर टू ऑल टाइप ऑफ मूवेबल आइटम्स दैट कैन बी फिजिकली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जीएसटी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं आता है, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर आता है? गुड्स पे। और अगर आपका ट्रांजेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का, आपने घर बेचा, बंगलो बेचा, फ्लैट बेचा, शॉप बेची, वेयरहाउस बेचा, समझ में आ रहा है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर सेल वगैरह होता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। बस इससे इतना ही आपको कंक्लूड करना है, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद में हाँ ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके, सेकेंड वाला पॉइंट, गुड्स में एक्सक्लूड क्या? मनी एंड सिक्योरिटीज। अब देखो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? ऐसी चीज जिसमें वर्थ है, प्रॉपर्टी है। मूवेबल मतलब ऐसी चीज जो मूवेबल है और जिसमें वर्थ है, प्रॉपर्टी है, उसको कहा जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई मनी या सिक्योरिटीज, लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे जब तक इसमें वर्थ है, जब तक इस ये प्रॉपर्टी है, समझ लो एग्जांपल लेते हैं ये मनी, ओके ये मनी, कल जाके अगर नोटबंदी आ गई तो बात अलग है, फिर वर्थ नहीं है, अरे है ना, पर ये भी मूवेबल है और ये इसमें प्रॉपर्टी भी, वर्थ भी है, ओके। तो ये जहां तक उन्होंने स्पेसिफिकली कहा क्या कि भाई मनी नहीं कहा जाएगा गुड्स में, क्यों? क्योंकि अगर मनी को गुड्स में ले लिया तो ओके, किसी ने किसी को पैसा दिया जीएसटी, पैसा वापस लिया जीएसटी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो जो ट्रांजेक्शन मनी के है, आई रिपीट, मतलब पैसा देना, पैसा लेना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, पैसा विड्रॉ करना, ओके, वो ट्रांजेक्शन गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने सिक्योरिटीज भी एक्सक्लूड किया है, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन पे जीएसटी वो लाना नहीं चाहते। आपने कभी अगर फाउंडेशन लेवल पे या भी इंटर लेवल पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, समझ लो, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन है, ओके, गुड्स पर डेफिनेशन सिक्योरिटीज इंक्लूड है, बी केयरफुल,
सेल ऑफ गुड्स ऑफ में क्या सिक्योरिटीज इंक्लूड है, गुड्स के डेफिनेशन में, जीएसटी में एक्सक्लूड है। अब हर लॉ का अपना प्रिंसिपल होता है, जैसा अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग हमारा चल रहा है। ओके, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन चल रहा है कि क्या शेयर के सेल परचेस पे जीएसटी लगाया जाए क्या, आंसर इज नो। ओके, रीजन उसके बहुत सारे हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन्स के रीजन, इंडिया इंडियन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करना चाहती है, एक तरह से हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ को हमारे शेयर मार्केट से भी कनेक्ट होता है कि अगर हमारा शेयर मार्केट चल रहा है तो बाहर इम्पैक्ट ऐसा आता है, समझ में आए कि भाई हाँ इनकी ग्रोथ हो रही है। ओके, शेयर मार्केट में इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है। तो फिलहाल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन पे कोई जीएसटी लाना नहीं चाहती, समझ में आया क्या? इसलिए उन्होंने मनी को तो समझ में आता है भाई साहब, नहीं तो मनी के ट्रांजेक्शन ही बंद हो जाएंगे, समझ में आया क्या? पैसा देना पैसा लेना, ओके, वो नहीं आएगा जीएसटी में, वो तो ऑब्वियस है, वो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी नहीं डाला है, मनी को एक्सक्लूड किया है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, लेकिन जहां तक बात करें सिक्योरिटीज की, तो सिक्योरिटीज भी इन्होंने स्पेशली जीएसटी के स्कोप के बाहर रखा है। ओके, ये बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा, और ये अभी नहीं, ये पहले से था, इवन मैं जब सर्विस टैक्स पढ़ाता था पहले या एक्साइज पढ़ाता था पहले, ओके, तब भी ऐसा था कि सिक्योरिटीज एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सिक्योरिटीज पे जीएसटी, और तब सर्विस टैक्स नहीं आता था, आई होप यू अंडरस्टूड, वैट भी नहीं आता था, और सेम डिसीजन उन्होंने कंटिन्यू रखा कि इसमें जीएसटी में, आई होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि सिक्योरिटीज एक तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बिजनेस नहीं, एक तरह का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तुम पीजीपीपी में बिजनेस में ले लेते हो, तो कभी कैपिटल गेन में ले लेते हो, अरे है ना, पर बिजनेस लैंग्वेज में वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो जीएसटी उसके ऊपर, जीएसटी एक बिजनेस करने का टैक्स है, इसलिए फिलहाल तो सिक्योरिटीज पे उन्होंने कोई जीएसटी नहीं लगाया, फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल लॉ है, ओके, इकोनॉमिकल ग्रोथ को देख के गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकता है, उसके पीछे लॉजिक बदलते रहते हैं, करंट सिचुएशंस को देख के लॉजिक बदलते रहते हैं, आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो, डज नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन इन करेंसी, जैसे कन्वर्जन ऑफ करेंसी और डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, या आपने किसी को पैसा दिया, उसने आपको पैसा दिया, या सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक बॉन्ड डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा, ओके, अंडर डिफाइंड अंडर SCRA, SCRA एक लॉ है, अगर आपको लिखना हो तो लिख दो, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इंडिया में जितने भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शेयर लेना बेचना, बॉन्ड लेना बेचना, बॉन्ड भी आता है उसमें, बॉन्ड डेरिवेटिव्स वगैरह, इसके लिए एक लॉ बनाया है सो दैट लोग फ्रॉड ना कर सके, समझ में आया? तो ये जो है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे पहले फ्रॉड हुए, हर्षद मेहता नाम सुना होगा कभी आपने, तो ऐसे केस में स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, और इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसका नाम था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। उसमें सिक्योरिटीज डिफाइन किया है, जिसमें यहाँ स्टॉक का मतलब शेयर्स, आई रिपीट लिखना होगा तो स्टॉक का मतलब शेयर्स, बॉन्ड होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके बाद में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जो सिक्योरिटीज में डिफाइन किया गया है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक्चुअली उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स है, किसी ने अगर शेयर मार्केट में कभी शेयर परचेस सेल किए होंगे तो उसके ऊपर, यस, क्या एसटी, हाँ, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, एसटीटी लगता है उसके ऊपर, तो ऑलरेडी उसके ऊपर एक ऑल टैक्स है, और जीएसटी का बर्डन गवर्नमेंट उसके ऊपर नहीं लाना चाहती है, क्योंकि उसके ऊपर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो उसके बाद में अब यहाँ एक्शनेबल क्लेम, तो अब यहाँ एक काम करो, ये तीन पॉइंट था, यहाँ एक वर्ड आना चाहिए था, नहीं आया, इंक्लूड्स, यहाँ एक वर्ड डाल दो, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, अच्छा ऊपर दिया है, हाँ, गुड स्पेसिफिकली इंक्लूड्स दिया है, हाँ, अब यहाँ ये वाला डिस्कशन समझ लो, जीएसटी में जब गुड्स की बात आएगी तो गुड्स स्पेसिफिकली इंक्लूड्स क्या, एक्शनेबल क्लेम्स, इनकम पासेस लीगल क्लेम और राइट्स ऑन अनसिक्योर्ड डेट दैट कैन बी परस्यूड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ,
पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने उसको डिस्क्राइब किया है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं इंटर लेवल पे स्पेसिफिकली बताता हूँ, फाइनल लेवल पे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, पर इंटर लेवल पे आपको मैं बहुत स्पेसिफिक बताते जाऊँगा कि क्या आपको लर्न करना है और क्या नहीं है। जैसे गुड्स के डेफिनेशन में बस मेन मेन पॉइंट, एवरी काइंड ऑफ एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, बट इंक्लूड्स क्या एक्शनेबल क्लेम्स। अभी एक्शनेबल क्लेम क्या है और इसको इंक्लूड क्यों किया गया, इसके पीछे एक आधी घंटे का हिस्ट्री मैं बताऊंगा इन द चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें मैं ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग क्या प्रॉब्लम्स हुए, फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग कैसे आया, वर्चुअल डिजिटल असेट क्या वर्ड कैसे आया, कुछ वर्ड्स हमने टाइटल पढ़े थे कहीं तो कल पढ़े थे, ओके तो ये पूरा हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। ओके अभी बस इतना समझ लो कि इंडिया में जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स कहे जाते हैं, अब देखो एक्शनेबल क्लेम ये वर्ड की शुरुआत कैसे हुई दो मिनट में बता देता हूँ, वैसे मेरा स्कोप नहीं है, ओके वो तो आपको अकाउंटिंग में या लॉ में आपको बताएंगे, पर मैं दो मिनट में बताता हूँ। कभी प्रॉमिसरी नोट सुना है या बिल ऑफ एक्शन? प्रॉमिसरी नोट को हुंडी चिट्ठी भी कहा जाता है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट को हुंडी चिट्ठी भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो नोट आपने 500 रुपीस का देखा ये भी प्रॉमिसरी नोट है, समझ में आया ना, ये भी प्रॉमिसरी नोट, अगर आपको याद होगा तो वहां लिखा है, देखो अगर आप यहाँ हिंदी में लिखा है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे साइन गवर्नर ऑफ RBI, अरे समझ में आया क्या, मतलब ये आपके पास है तो ये आपके पास ये 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 ये, ये नोट पे, समझ में आया क्या, कभी भी आप एक्शन ले सकते हो और RBI के गवर्नर के सामने जाके ये पेज रख सकते हो 500 रुपये दो, अरे हाँ है ना, तो मतलब यहाँ जहाँ तक देखा जाए ये एक जस्ट पेपर है पर इसमें वचन है, अरे हाँ है ना, प्रॉमिस है, जहाँ तक देखा जाए तो चलो प्रॉमिस, तो जहाँ तक देखा जाए प्रॉमिसरी नोट मतलब ऐसा कोई क्लेम जिसके ऊपर आप कभी भी एक्शन ले सकते हो और जिसके पास वो रहेगा वो ट्रांसफरेबल होता है, प्रॉमिसरी नोट भी ट्रांसफरेबल होती है, जिसके पास वो नोट रहेगी उसको वो अदा करना पड़ेगा, ये समझ में आया क्या। फिर आपने कभी सुना होगा प्रॉमिसरी नोट पे एंडोर्समेंट भी होता है, एंडोर्स भी किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एंडोर्स किया जाता है, चेक भी एंडोर्स किए जाते हैं, समझ में आया। तो एक्शनेबल क्लेम का अगर बहुत सिंपल वे में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है, तो बहुत सिंपल वे में ऐसा अनसिक्योर्ड डेब्ट विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर एंड अ पर्सन हु इज होल्डिंग दैट क्लेम कैन टेक एक्शन एट एनी टाइम, अ पर्सन इज होल्डिंग दैट क्लेम कैन टेक एक्शन एट एनी टाइम, आई होप यू अंडरस्टूड। दूसरा एक एग्जाम्पल लॉटरी, लॉटरी बेचा जाता है, जिसके हाथ में लॉटरी होगी और वो जीत गया तो वो एक्शन ले सकता है, आई होप यू अंडरस्टूड। वो नहीं होगा किसके नाम की लॉटरी, किसको दी थी, उस वही चाहेगा तो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं, आई होप यू अंडरस्टूड। जिस वो भी एक्शनेबल क्लेम है, बेटिंग जैसे गोवा में कैसीनो, आपको जाने के बाद आपको कूपन्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, वो भी एक्शनेबल क्लेम है, जिसके पास है वो खेलेगा, वो किसी के नाम के नहीं होते, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे सिंपल वे में ओके कैसीनो, उसके बाद में लॉटरी, बेटिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब क्लासीफाई हुआ है इन द डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, आई होप यू अंडरस्टूड। और एक्शनेबल क्लेम को गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। अब एक्शनेबल क्लेम को गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया में एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शंस हो गए तो GST की लायबिलिटी आएगी, यस और नो? मतलब यहाँ पे कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कहीं पे मैं देखना चाहता हूँ किसको याद है कहाँ पे ये वर्ड इसके पहले पड़ा था, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने वो लिस्ट पर रट्टा मारा होगा, कौन से लिस्ट पर रट्टा मारा होगा, कौन से सेंट्रल टैक्सेस मर्ज हुए और कौन से स्टेट टैक्सेस मर्ज हुए, कुछ याद आया क्या? तो स्टेट में पहले एक पुराना टैक्स चलता था लॉटरी पे,
अरे आया ना, अब वो लॉटरी का टैक्स सबसीम हुआ, मतलब जीएसटी में आ गया, सबसीम हुआ मतलब जीएसटी में मर्ज हो गया, सबसीम मतलब मर्ज हो। अब जीएसटी तो गवर्नमेंट को लॉटरी पे तो टैक्स लगाना था, पहले दूसरा टैक्स लगता था, अब जीएसटी लगता है बेटिंग पे, गैम्बलिंग पे। पहले पुराने स्टेट टैक्स लगते थे, अब जीएसटी लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड। और इन्होंने तो अभी कैसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग सब एक्शनेबल क्लेम में डाल दिया, ठीक है। तो यहां पे बस इतना ही कहना, हाँ कुछ मैंने एग्जांपल दिए, राइट्स टू अरियर रेंट्स, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम भी एक्शनेबल क्लेम है। ओके, आप नॉमिनी देके ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके पास जो नॉमिनी है वो अपना क्लेम कभी भी दे सकते। अरियर्स या राइट्स टू अरियर्स ऑफ रेंट, मतलब यहाँ पे तुम्हारा समझ लो कोई प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है जिसकी प्रॉपर्टी वो बंदा डेथ हो गया तो अपने राइट्स रेंट की किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आया क्या? तो इन शॉर्ट ऐसी अनसिक्योर्ड डेप्ट, आई रिपीट द वर्ड, क्या अनसिक्योर्ड डेप्ट, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो सकती है। अभी तो सिंपल में इतना ही याद रखो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। ओके चलो, अब यहां पे नेक्स्ट ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये भी इंक्लूड होता है। बहुत सी बार ग्रोइंग क्रॉप सेल होता है, वैसे तो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जम्प्ट है। आई रिपीट द वर्ड, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जम्प्ट, वेजिटेबल्स हुआ, ओके ग्रेन्स हुई, फूड ग्रेन्स हुई, एग्जम्प्ट है। हाँ, पर कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैक्सेबल है, फॉर एग्जाम्पल टोबैको, टोबैको लूज भी टैक्सेबल है। उसके बाद में कैश्यू नट्स, मेरी बात समझ में आया, कैश्यू नट्स वगैरह, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्स लगना चाहिए, ओके, तो वो टैक्सेबल है। तो अगर किसी ने ग्रोइंग क्रॉप सेल किए, इवन दो जब सेल हो रहा है ग्रोइंग क्रॉप, जब वो अटैच टू द अर्थ है, ये तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी था, कुछ याद है क्या? ग्रोइंग क्रॉप मतलब डेफिनेशन लगभग सेल सेम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बस एक थोड़ा चेंज है, सिक्योरिटीज को इंक्लूड में डाल दिया, एक्शनेबल सॉरी सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड में डाल दिया, एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड में, बस ये रिवर्स है, वहां उल्टा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखते हो गुड्स की डेफिनेशन, तो एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया, सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया है, कुछ याद आया क्या? पर यहां आपको उल्टा याद रखना है, क्योंकि यहां की पॉलिसी अलग है, ठीक है। तो चलो मेरे साथ लर्न करो फटाफट, अभी के अभी लर्न होना चाहिए, अभी ही अवेलेबल होना चाहिए। गुड्स की डेफिनेशन, बस चार पॉइंट्स, क्या? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू द लैंड, ठीक है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स कोई अगर सेल करता है तो उस पर भी जीएसटी आएगा, वो गुड्स माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके चलो, ये थी डेफिनेशन ऑफ क्या, गुड्स। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमार्क के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर बहुत सारे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो नोट्स लिखनी पड़ती है, और नोट्स में रिमार्क लिखने पड़ते हैं, इसलिए ओके अगेन टाइटल टाइटल से याद रख लेना। अरे यस और नो? तो चलिए, सर्विसेस यानी क्या भाई साहब? पहला मीनिंग चालू होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। अब मैं आपको यहां बता दूं, मनी और सिक्योरिटीज जो है वो तो गुड्स में भी एक्सक्लूड है, सर्विस में। इन शॉर्ट, इंडिया में जो भी मनी के ट्रांजेक्शन्स हो गए उस पर जीएसटी नहीं आएगा, नॉट एज अ गुड्स, नॉट एज अ सर्विस, ठीक है। किस आपने पैसा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया उसके ऊपर जीएसटी नहीं, पैसा बैंक से विड्रॉ किया उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं, आपने किसी को लोन दिया लोन वापस लिया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट वापस लिया, वो ट्रांजैक्शंस इन मनी। अब मनी मतलब जरूरी नहीं कि आप नोट से ही दो, मनी चेक से पैसा दिया, ऑनलाइन पैसा दिया, समझ में आया क्या? ओके, आपने डीडी से पैसा दिया, वो सारे मनी के डेफिनेशन में आते हैं, नीचे मनी की डेफिनेशन मैंने ली है, ठीक है। आप किसी भी मोड में पैसा दे रहे हो, हाँ बिटकॉइन मनी से एक्सक्लूड किया है, क्योंकि अभी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन इंडिया में लीगलाइज नहीं हुए हैं, समझ में आया। और अगर होते भी है
बिटकॉइन, मतलब लीगलाइज मतलब करेंसी नहीं माना है उसको, उस बाकी तुमको करना है तो वो सट्टा माना है, और उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्सेस, इनकम टैक्स भी लगेगा, समझ में आया ना, और जीएसटी भी लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, यानी तुम बिटकॉइन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, अभी इंडिया में मना नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है कि वो करेंसी नहीं माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके चलिए, तो मैं अब यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा, एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो मनी और सिक्योरिटीज को तो दोनों में एक्सक्लूड है इस लिस्ट के ऊपर, तो ओके यहाँ पे इसको बाजू में रखते हैं। मेन जो है वो ये वाला पार्ट है। ओके, सर्विसेस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। जीएसटी काउंसिल में डिसीजन ये हुआ, सारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे, और इसको धीरे 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 जब सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा ना, तो मैं इसका इंपॉर्टेंस बताते जाऊंगा आपको, केस स्टडीज लेके, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन पे हैं। जब तक मैं थोड़ा लॉ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केस स्टडी नहीं ले पाऊंगा, समझ में आया क्या? पर जस्ट मैं अभी आपको बता दूँ। ओके, और आज थोड़ा मेंटली रेडी रहना, थ्योरेटिकल डिस्कशन है, पर कल बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, ठीक है? आज मैं थोड़ा बेस बांध रहा हूँ कल के डिस्कशन के लिए, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? पर यहाँ पे मज़ा आएगा, थोड़ा ध्यान दोगे तो मेरे साथ लिंक लगते जाएगी आपकी। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, जीएसटी काउंसिल में जब सभी फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे, तो ये डिसाइड हुआ कि हम जीएसटी गुड्स और सर्विस पे लगा रहे हैं। तो क्या सर्विस को डिफाइन करे क्या? अगर सर्विस को डिफाइन करे कि सर्विस मतलब एनीथिंग विच इज इनटेंजिबल, ओके, इन्वॉल्व सम स्किल, सप्लाइड फॉर कंसिडरेशन, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, सर्विस को अगर डिफाइन करते बैठे तो फिर उसके वर्डिंग्स में चले जाएंगे, अब वर्डिंग्स पे फिर कंट्रोवर्सी होते रहेगी। फिर ये मेरा ये मैंने सुनो, मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी, फिर सवाल खड़े हो जाते हैं, रेंटिंग सर्विस है क्या, इसमें क्या सर्विस दे रहा हूं, मेरा क्या स्किल है, प्रॉपर्टी तो रेडी थी, यहां मैं सर्विस दे रहा हूं, अरे है ना, यहां मैं सर्विस दे रहा हूं, यहां मेरा स्किल यूज कर रहा हूं, ओके, पर मैं प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूं, उसमें क्या कर रहा हूं, उसमें तो कोई स्किल ही नहीं है। अगर वर्ड स्किल डाल दिया डेफिनेशन में कि स्किल होना चाहिए, तो शुरू हो जाएगा फिर कॉन्ट्रोवर्सी में, स्किल है या नहीं है, और फिर केसेस इतनी चले जाएगी कोर्ट के पास कि वो पॉकेट कैलकुलेटर जैसा हो जाएगा। कोई भी चीज मैं पढ़ाता हूं तो वेस्ट नहीं करता हूं, अरे है ना, उसके रेफरेंसेस बहुत है आगे, तो वो तो पॉकेट कैलकुलेटर जैसा हो जाएगा, एक वर्ड पे फिर सारे चले कोर्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट, फिर कल जाके हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्किल, कि भाई अब फिर एक वर्ड पे और डिस्कशन हो जाएगा। तो सभी फाइनेंस मिनिस्टर को मैं ये समझाना चाहूंगा कि अगर हम सर्विसेज वगैरह डिफाइन करते बैठे जिसमें नए नए वर्ड डाल दिए, इनटेंजिबल, फिर एक नया डिस्कशन, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल, व्हाट डू यू मीन बाय इनटेंजिबल, नया डिस्कशन चालू हो जाएगा। तो मैं सभी फाइनेंस मिनिस्टर को एक प्रपोज करता हूं, देखो जीएसटी हमको सारे बिजनेस एक्टिविटी पे लाना है, अरे आया ना, किसी को छोड़ना नहीं हमें इंडिया में, जो भी पैसा कमाएगा तुमको मिला हमको चाहिए, बात खत्म, अरे यस और नो, किसी को इंडिया में नहीं छोड़ना है जीएसटी लॉ में। तो एक काम करते हैं, सर्विस की डेफिनेशन फालतू वर्ड्स में नहीं पढ़ते, सर्विस की डेफिनेशन ऐसा बनाते, एनीथिंग अदर देन गुड्स। भाई साहब, गुड्स के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो सर्विस माना जाएगा, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मे बी एक्टिव मे बी पैसिव। अगर आपको उस एक्टिविटी करने का, मे बी एक्टिवली एक्टिविटी और मे बी पैसिवली एक्टिविटी, तो वो सर्विस मान लिया जाएगा। बस आप किसी ने भी आपको ये पूछा कि मेरे पे जीएसटी आता है क्या, तो आपके दो पॉइंट्स होने चाहिए, गुड्स या फिर एनीथिंग अदर देन गुड्स। एक केस स्टडी लेना चाहूंगा जिसका इंपैक्ट आपको समझेगा। 2012 की बात है, हमारे ये प्रेस्टीज पॉइंट पे नीचे एक बंदा वाइन शॉप डाल रहा था, हाँ वाइन शॉप। अच्छा मैं सुनो सुनो, अब देखो कैसे इंपैक्ट आ गया, बोलते ही इंपैक्ट आ गया, वाइन शॉप अच्छा हो गया नहीं डाला। हाँ अब मैं आपको ये बताता हूँ, आगे बढ़ने के पहले एक डोर बांध लेना, और वो डोर ये बांधना कि
जब भी जिसको भी पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है, क्योंकि पैसा किस बात का मिला, कुछ तो दिया होगा। अरे यस और नो, जिसको एक मिनट मेरे साथ फिर से, जिसको भी पैसा मिलता है वो पैसा बिजनेस में मिला तो कुछ तो दिया होगा ना, तो वो होता है सप्लायर। और जिस जो भी पैसा देता है वो रिसीपियर, क्योंकि उसको कुछ बेनिफिट मिला होगा इसलिए पैसा दिया। अरे यस और नो। अब देखो वो वाइन शॉप डालने वाला था, हम सब क्लासेस वालों को पता चला, मैंने भाई साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके यहाँ पे सारे क्लासेस वाले एक हो गए, ओके ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके यहाँ और ये अभी तो चलो वर्चुअल चालू हो गया वगैरह, तब तो फेस टू फेस ही था। ओके फाइनल के स्टूडेंट, इंटर के स्टूडेंट, फाउंडेशन के स्टूडेंट सब यहाँ पे, लगभग रोज के 6,000 स्टूडेंट 5,000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो आज भी आ रहे हैं ये बिल्डिंग में। अरे समझ में आया क्या? तो अब हम ये सोच रहे कि यार यहाँ पे सुनो सुनो, अब ये आ जाएगा, वाइन शॉप रहेगी सामने। तो हम वो ओनर के पास गए, हमने कहा सर यहाँ मत डालो इस बिल्डिंग में। उसने कहा क्या प्रॉब्लम, मेरे पास लाइसेंस है अल्कोहल के, और कहाँ रिस्ट्रिक्शन है, मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ। अब भाई वो बंदा वाइन शॉप वाला था। अरे है ना, मैं फिर हम यहाँ के जो है नगर सेवक उनके पास गए, उनको कहा कि सर कुछ कोशिश करो सब। फिर चलो एक मीटिंग हुई, उसने मीटिंग में ऑफर दिया, उसने कहा मैं वाइन शॉप नहीं डालूंगा, उसका 50 लाख चाहिए। मैं वाइन शॉप, मुझे कुछ ना करने का 50 चाहिए, ठीक है। तो हमने, हम जैसे ही 50 बोला, हम देख एक की तरफ देखते रह गए कि यहाँ पे ओके 50 लाख। ओके तो यहाँ कहीं जाके सेटल हुआ कि चलो भाई, उसमें सोसाइटी भी रेडी थी, समझ में आया क्या? तो कहीं जाके सेटल हुआ कि भाई 10-15 लाख दे देंगे। तो अब यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर हम उसको 50 लाख दे रहे हैं, उसने हमको कोई गुड्स दिया था क्या? नहीं। पर उसको, जिसको पैसा मिलता है, किस कुछ बात का तो पैसा मिल रहा है, कौन सी बात का पैसा मिल रहा है? हाँ कौन सी बात? कुछ ना करने का, भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे 50 चाहिए। अरे यस और नो? ओके तो ऐसे केस में वो 50 पर GST आएगा क्या? हाँ। क्यों? वो गुड्स नहीं पर सर्विस है। और उसने सर्विस क्या दी? वो फंदे में पड़ो ही मत, उसने क्या दिया सर्विस? मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। हमारा डेफिनेशन बहुत क्लियर है, किसी भी बात का पैसा मिला, किसी भी बात का पैसा मिला, तुमको मिला। एग्जाम में मत लिखना है। इसलिए मैं सारे GST काउंसिल मीटिंग में जो मेंबर्स बैठे सबको यही कहना चाहूंगा कि हम GST लॉ ओपन रखते हैं और डेफिनेशन ही ऐसी ड्राफ्ट करते हैं कि सर्विस मींस क्या? एनीथिंग अदर देन गुड्स। समझ में आए? ये एग्जांपल से स्कोप समझ लो सर्विस का कितना है। नाम पे गए नहीं, वर्डिंग्स पे गए नहीं, कुछ भी कमा, गुड्स नहीं होगा तो सर्विस, दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, तो इट एनकंपासेस ऑल द एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट कैटेगराइज एज अ गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी। हाँ, सर्विस स्पेसिफिकली इंक्लूड्स, हाँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है। सर्विस स्पेसिफिकली इंक्लूड्स, जस्ट अ मिनट, हाँ वो क्या कहते हैं, देखो एक्टिविटी रिलेटिंग टू मनी यूज और क्या कन्वर्जन, रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और देयर कन्वर्जन, इनकॉर्पोरेट द सर्विस दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ मनी और हैंडलिंग और कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनादर, प्रोवाइडेड, ये हाईलाइट करना, प्रोवाइडेड सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर सच एक्टिविटी। ये एक्टिविटी के लिए क्या सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया। चलिए अब मैं थोड़ा इसका मीनिंग आपको मैं समझाना चाहूंगा, एक मिनट। यस, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो 50 लाख वाला एग्जांपल समझा। अच्छा, GST में कौन सप्लायर है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए मैं वापस लेता हूँ।
वो 50 लाख में किसको 50 मिले? वाइन शॉप वाले को। तो सप्लायर कौन? वाइन शॉप वाला। जीएसटी कौन देगा? वो। एंड बर्डन पास। तो बंदे ने वो ऐसा, अगर मैं जीएसटी के लैंग्वेज में बोलूं तो वो ऐसा बोलना चाहिए, ओके 50+ GST। अरे है ना 50+ GST, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगने वाला है? जीएसटी भी लगने वाला है। चलिए अब आगे जो है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, इसमें नहीं सॉरी एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है, ओके दुनिया की सबसे सिंपल बात है जो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो अब यहां पे वो क्या कह रहे हैं, देखो आपने पैसा दिया, पैसा लिया, इस पर जीएसटी नहीं, लेकिन पैसा देने और लेने के लिए अगर आपने कुछ सेपरेटली चार्ज किया, पैसा देने और लेने के लिए सेपरेटली चार्ज किया, वो सर्विस है, वो सर्विस। सो व्हाट एवर द सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर क्या, यूज ऑफ मनी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पैसा दिया और कहा कि मुझे 1 महीने बाद वापस करना और मुझे इसका इंटरेस्ट भी देना, इंटरेस्ट सर्विस है। अरे है ना इंटरेस्ट, पैसा देना लेना सर्विस नहीं है, वो गुड्स भी नहीं है, पर वो ट्रांजेक्शन होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिया, समझ में आया क्या, वो सर्विस। इन सिंपल वर्ड इंटरेस्ट। ओके यूज ऑफ मनी के लिए अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर थोड़ा टेक्निकल वर्ड में याद रखना, अ सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज, अरे आया ना एग्जाम्पल क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो अगर यहां पे कोई इंटरेस्ट लेता है तो दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ सर्विस। आई होप यू अंडरस्टूड। बैंक, बैंक आपको लोन दे रही है और आप लोन वापस करोगे, उस पर जीएसटी नहीं है, पर उसका इंटरेस्ट लगाया वो सर्विस है, उसका इंटरेस्ट लगाया वो सर्विस, प्रोसेसिंग चार्जेस लगाया वो सर्विस है लोन देने के। फिर वो बैंक का लोन हो या फिर वो जो है यहां पे अनसिक्योर्ड लोन आपने दिया हो किसी को, आई रिपीट द वर्ड क्या, अनसिक्योर्ड लोन आपने दिया हो किसी को, अपने फ्रेंड को दिया हो, किसी को दिया हो, रिलेटिव को दिया हो, जिसका आप क्या ले रहे हो इंटरेस्ट। साहूकार, कोई साहूकार है गांव का, यहां पे कोई मतलब इन सिंपल वर्ड जैसे कोई गांव में कोई साहूकार है और वो लोन पे दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, दैट ऑल्सो सर्विस, पर कौन सा इंटरेस्ट लेना। चलो मैं अब आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, वो उन्होंने लिया है इंटरेस्ट को सर्विस की डेफिनेशन में। अब बेटा बहुत सी बार यहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूं सब इन ध्यान देना, बैंक हमें इंटरेस्ट लगा रही है, फॉर दैट इंटरेस्ट पोर्शन हु इज द सप्लायर। बैंक हमें इंटरेस्ट लगा रही है, फॉर दैट इंटरेस्ट पोर्शन हु इज द सप्लायर। व्हाई? जिसको पैसा, ये फंडा जिंदगी में याद रखना, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर। अच्छा मैं क्यों इंटरेस्ट दे रहा हूं, क्योंकि मुझे एक सर्विस मिले, यूज ऑफ मनी का सेपरेट कंसिडरेशन। अरे यस और नो? सेपरेट। तो बैंक इज सप्लायर एंड इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो रिसिपिएंट। अब फटाफट फटाफट आ जाओ, मैं FD का, मैंने बैंक को पैसा यूज करने दिया, FD सेविंग अकाउंट, मतलब मैंने बैंक को पैसा यूज करने दिया, उसका मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो FD का इंटरेस्ट जब मिलता है तो हु इज द सप्लायर? मैं। फंडा इज क्लियर, जिसको पैसा मिलेगा वो सप्लायर, सोचना भी मत ज्यादा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो यहां पे जहां तक देखा जाए तो यूज ऑफ मनी का, मनी यूज का ओके सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ मनी का सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया। मतलब क्या, ध्यान से सुनो, आप डॉलर लेके आए, मैंने रुपीज दिए, या मैं रुपीज लेके गया डॉलर, ये कन्वर्जन ऑफ मनी है, ये नहीं आएगा जीएसटी में, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इन मनी है, पैसा दिया पैसा लिया। फिर मनी में सिर्फ इंडियन करेंसी नहीं आती है, अरे यस और नो, फॉरेन करेंसी भी आती है। तो डॉलर देना, रुपीज कन्वर्ट करना, इस पर कोई जीएसटी नहीं है, पर अगर इसका क्या लिया गया, सेपरेट कंसिडरेशन, सेपरेट कंसिडरेशन कमीशन।
तो इसका अगर कमीशन सेपरेट कंसिडरेशन लिया गया तो क्या वो कमीशन पे जीएसटी आएगा? यस, वो कमीशन पे जीएसटी आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपके पास यहां पे 500 के नोट्स है और आपको एक रुपए का कॉइन चाहिए, भाई आपको चिल्लर चाहिए आपके गले में, समझ में आया क्या? और आप गए मार्केट में और आपने नोट देके कॉइन्स लिए, नोट देके कॉइन लेना उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, समझ में आया क्या? पर उसका कमीशन लगाया गया उसके ऊपर जीएसटी। पैसा देके डीडी बनाना उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, डीडी भी मनी में ही आएगा पर डीडी का कमीशन लगाना। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वो कन्वर्जन, तो इन शॉर्ट उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि यूज ऑफ मनी, कम ऑन, क्या कहा मैंने, यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी के ट्रांजेक्शन के लिए अगर कोई सेपरेटली चार्ज करता है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ यहां पे आगे वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन डेफिनेशन फर्दर क्लैरिफाइड एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट सर्विसेज कवर्ड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन, अंडरलाइन द वर्ड, क्या, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, इट इंक्लूड्स ब्रोकरेज चार्जेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलेटेड टू बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन अ फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो एक मिनट, सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है? एक्सक्लूड होता है। पर अगर ये सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करने के लिए या ये सिक्योरिटीज की डील अरेंज करने के लिए आपने चार्जेस लगाए, आई रिपीट, क्या, समझ लो सेल परचेस के लिए आपने ब्रोकरेज चार्जेस लगाए, आईपीओ के चार्जेस लगाए, आईपीओ समझ में आता, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसके चार्जेस लगाए सिक्योरिटीज के, बॉन्ड सेल परचेस के चार्जेस लगाए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके चार्जेस आपने लगाए। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा अगर सिक्योरिटीज के आप एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से लगाते हो टू फैसिलिटेट दैट ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, टू अरेंज द डील ऑफ सिक्योरिटीज, तो उस पर जीएसटी आएगा। मतलब आपको ओनली मनी और सिक्योरिटी एक्सक्लूड होगा, मनी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो गए क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा बेटा? यस। ओके, एंड लास्ट में तो हम देखिए कि एक्सक्लूड गुड्स, मनी एंड क्या, सिक्योरिटीज। अब चलो एक चार्ट बनाते हैं, सुनिए ध्यान से, नीचे मैंने जगह दी है, किसी को यहां बनाना है तो यहां बनाओ, या हमारे चार्ट के नोटबुक के फ्लो में बनाना है तो वहां बनाओ। लेकिन मैं आपको कहूंगा, इवन तो मैंने यहां जगह दी है पर तुम्हारे बैच से मैं स्पेशल नोटबुक बनवा रहा हूं, अरे यस और नो, तो आप बेटर वे अपने नोटबुक के फ्लो में चलो, तो सारे चार्ट्स एक जगह रहेंगे, सारे चार्ट्स एक जगह रहेंगे। तो चलो अब आपको यहाँ पे गुड्स और सर्विस का चार्ट बनाना है जो हमने पढ़ा है। हाँ, अब ये चार्ट लिखना कैसे है देखो, पहले साइलेंट प्लीज। अब देखो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, ये एक्स्ट्रा टाइम मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन हो गया है, केस स्टडी के साथ हो गया, एग्जांपल के साथ हो रहा है, पर मैं मेरे क्लास में ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लिखो और वहीं के वहीं लर्न करो, अरे ये सर नो, तो चार्ट लिखते वक्त वहीं के वहीं लर्न करना है, इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए लिखो सेक्शन 252, पहले दो टाइटल लिख देना, सेक्शन 252 गुड्स और इधर सेक्शन 2102 क्या, सर्विस, एक साथ लिखना गुड्स और दूसरा क्या, सर्विस, गुड्स और सर्विस, डन, गुड्स और सेकंड सर्विस। अब देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक मिनट, गुड्स का डेफिनेशन दोनों की मीनिंग देख लेते हैं पहले। गुड्स का डेफिनेशन में मींस क्या बेटा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो पहले लिख लो गुड्स मींस
यस बेटा, सप्लाई वाला चार्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे कंप्लीट होगा। मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, सर्विस मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप चलना तो समझ में आता है, सिर्फ कॉपी मत करना। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, ये समझ में आया क्या? और अच्छा, दोनों में से कॉमन एक्सक्लूजन क्या है? तो मैंने देखो कैसा अरेंज किया, पहले दोनों के मीनिंग बता दिए और कॉमन एक्सक्लूजन ले लिया, ऐसा मनी एंड सेक्रेट, तो दोनों को कंबाइन करके कॉमन एक्सक्लूजन ले लो, मनी एंड सिक्योरिटीज, कॉमन एक्सक्लूजन ले लो, मनी एंड सिक्योरिटीज, स्टेप बाय स्टेप जाना। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन गुड्स? याद करो, याद करो, क्या? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एक्सेट्रा। समझ में आया क्या? ओके, तो लिखो, इंक्लूड्स फर्स्ट एक्शनेबल क्लेम, या इंक्लूड्स फर्स्ट एक्शनेबल क्लेम, एक मिनट, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कल बताया था ना, सेक्शन 7 के चार्ट के लिए 3 पेजेस रखना है, फिर रिपीट मत करवाओ ना यार, नहीं तो बच्चे सारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, सब ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे क्लास करने वाले सिर्फ आप नहीं हो, ऑनलाइन और फेस टू फेस मिला के मोर देन 4000 स्टूडेंट्स क्लासेस कर रहे हैं, और ओडीपीडी में तो बाद में। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक के वजह से सबका नुकसान होगा, मैं जो कहता हूँ तब के तब उसको समझ लो। तो मैंने कल ही कहा था सेक्शन 7 के लिए आपको 3 पेजेस छोड़ना है, ठीक है? हाँ, तो चलिए, इंक्लूड्स क्या बेटा? एक्शनेबल क्लेम्स, और दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास एक्सेट्रा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, लिखने के पहले रुको, सर्विस में स्पेसिफिकली क्या इंक्लूड होगा? मनी इंक्लूड होगा या सेपरेट कंसिडरेशन फॉर मनी? हाँ, वो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखो, एग्जाम्पल मैंने दिए सामने, ओके, एग्जाम्पल लिख सकते हो। लिखो, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज चार्ज फॉर फर्स्ट डैश यूज ऑफ मनी, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी एग्जाम्पल इंटरेस्ट, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ मनी एग्जाम्पल कमीशन, और थर्ड टू फैसिलिटेट और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एग्जाम्पल ब्रोकरेज। एग्जाम्पल ब्रोकरेज, ठीक है। तो सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड दिस, ओके, इंक्लूड दिस वन। चलो, ये हमने यहां पे इसका चार्ट देख लिया, अब एक चार्ट और बनाना है। मैं सबको एक प्रपोजल दूंगा, यहां जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को हल्की हल्की नींद आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चालू है, मेरी मधुर आवाज है, ओके, तो मेरी मधुर आवाज है, ठंडी ठंडी हवा है, ओके, माहौल अच्छा है, ओके, तो यहाँ सुनो, यहाँ पे एक प्रपोजल देना चाहूँगा। अभी हमने डिस्कशन किया कि इंटरेस्ट पे क्या लगाने वाला है हम, सर्विस, सर्विस मतलब टैक्स लगाने का प्रपोजल है। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन यूज ऑफ मनी, हमने उसको किस में डाल दिया? सर्विस में, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। यस और नो?
सर क्या हम जब सर्विस की कोई डेफिनेशन पूछे तो डायरेक्ट इंटरेस्ट लिखना क्या? नहीं, टेक्निकल वर्ड यूज करना. टेक्निकल मतलब सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी. उसमें फिर इंटरेस्ट भी आ सकता है, उसमें प्रोसेसिंग फीस भी आ सकता है. अरे यस और नो, ये तो एग्जाम्पल है समझने के लिए. अब देखो दूसरा, इंटरेस्ट के बारे में मैं सभी फाइनेंस मिनिस्टर के सामने प्रपोजल रखना चाहूँगा कि देखो, बैंक लोन के इंटरेस्ट पे अगर जीएसटी लगा तो पूरे इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी होगी कंट्री की. अगर ये हमने प्रपोजल डाल दिया, सर्विस के डेफिनेशन में डाल दिया, तो बैंक्स होम लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी लगाएगी, बैंक ऑटो लोन्स के इंटरेस्ट पे जीएसटी लगाएगी, या बिजनेस लोन के ऊपर जीएसटी लगाएगी. अगर बैंक इंटरेस्ट पे जीएसटी लगाएगी, लेट्स अज्यूम 18%, तो इसके वजह से इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी. अरे यस और नो, तो इस अगर इंटरेस्ट पे जीएसटी लगने वाला है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओके, इसका इम्पैक्ट होता है कि इंडिया के 90% लोग घर लेने के लिए लोन लेते हैं, और वो तो क्या है, उनको अगर इंटरेस्ट पे जीएसटी लग के आया तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. क्यों क्रेडिट नहीं मिलेगा? बेचारे घर के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं है. अरे यस और नो, ओके, तो यहाँ पे घर के लिए लोन ले रहे हैं, बिजनेस के लिए तो ले नहीं रहे. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में, या फिर बिजनेस वाले लोन ले रहे हैं तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ले रहे हैं. अब मेरा सबसे ये प्रपोजल है कि अगर हमने इंटरेस्ट पे जीएसटी लगा दें तो इससे वजह से जो हमारा इकोनॉमिक्स को सॉरी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. कैसे नहीं मिलेगा? समझ लो, हमने ऑटो लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी लगा दिया, हमने होम लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी लगाएगा, तो लोग नहीं लेंगे लोन. अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो घर कम से कम खरीदेंगे. अगर घर नहीं खरीदा तो फिर जो सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, अरे आया ना, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ओके, जो लेबर है, वो पूरा इम्पैक्ट होगा, डिमांड कम हो जाएगी, ओके, इकोनॉमिकल बूस्ट नहीं मिलेगा. ऑटो लोन लेते हैं आजकल, मुझे याद है बेटा, ऑटो लोन जो है, मैं अगर बात करूं जब मैं 10th में था 1998 में, ओके, तो 1997 की बात है, तब कार लेना बहुत बड़ी बात थी. यानी किसी के यहाँ कार मतलब रिच पर्सन है. अरे यस और नो, आज कार लेना बहुत आसान हो गया है. और आज तो ऐसा है कि तुम्हारे पास 20,000 रुपये हो, बाकी लोन रेडी है. और भाई साहब, लोन फाइनेंस इतना फ्री हुआ कि आज ओके डिमांड लोगों के लिए कार खरीदना आसान हुआ. ओके, लोन पे लोग कार ले रहे हैं. ओके, जितनी कार लेंगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन बनेगा उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा उतना क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे केस में ये प्रपोजल था कि क्या हम इंटरेस्ट पे जीएसटी फिलहाल, आई रिपीट द वर्ड, क्या फिलहाल लगाए या इकोनॉमिकल डिसीजन, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए डिसीजन कुछ ले. तो जीएसटी काउंसिल ने, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या करें, इंटरेस्ट को सर्विस में रखते हैं, इंटरेस्ट को सर्विस के डेफिनेशन में रखते हैं फॉर यूज ऑफ मनी, पर फिलहाल जीएसटी लगाए या एग्जम करें? तो सभी ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, इवन दो इट्स अ सर्विस, आई रिपीट, इवन दो इट्स अ सर्विस, बट एग्जम्प्ट इट, क्योंकि वो बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी. और गवर्नमेंट ने इंपैक्ट देखे, गवर्नमेंट ने इंपैक्ट देखिए कि आप लास्ट 20 ईयर्स में इतना फाइनेंस बढ़ा इंडिया में, इतना फाइनेंस बढ़ा, आपको क्या बताओ, ट्रिमेंडस बढ़ा. ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में टू बूस्ट द इकोनॉमी डिसीजन ये लिया गया कि नहीं, फिलहाल इंटरेस्ट पे वो एग्जम्पशन रखते हैं. कल मैंने एक डिफरेंस बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट. नॉन टैक्सेबल मतलब लेवी नहीं है. अरे कुछ समझा नहीं समझा? और एग्जाम मतलब लेवी है, मतलब सर्विस है, इट्स अ सर्विस, इट्स अ सप्लाई. अरे आया ना, इट्स अ सर्विस, इट्स अ सप्लाई, बट एग्जम्प्टेड, टेम्पररी. देखते हैं फ्यूचर में जब हमें लगेगा तो हम एग्जम्पशन विड्रॉ कर लेंगे. अरे यस और नो. तो सारे जीएसटी काउंसिल में मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा, ये थ्योरी सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकली हम काउंसिल है, हम मेंबर्स है, तुम भी सोचो कि गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए. समझ में आया क्या? तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होते जाएगा जीएसटी, ठीक है? तो अब ये केस में इंटरेस्ट को उन्होंने एग्जाम दे दिया, ओके, कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट. और सिर्फ बैंक ही नहीं, कोई भी किसको इंटरेस्ट दे,
क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कर दिया किसी बैंक वालों को मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, ओके साहूकार को नहीं मिलेगा, अरे समझ में आया क्या, ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो बड़ी मुश्किल पॉलिसी जब बनती है तो कोई ऐसे माइक्रो लेवल पे नहीं बनती, वो बनती है फिर मैक्रो लेवल पे, समझ में आया क्या। तो फिर ये कहा कि चलो इंडिया में कोई भी किसी को लोन दे या डिपॉजिट्स दे या एडवांसेस दे, एडवांसेस में ODCC ओडी ओड्रा कैश क्रेडिट, कोई भी ऐसे यूज ऑफ मनी का इंटरेस्ट लगेगा, किसी पर भी GST नहीं लगाया जाएगा, एग्जम्प्ट। फिर आपके FD का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी GST नहीं, बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी GST नहीं। ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया और मैं तो ये डिसीजन का बहुत वेलकम करता हूँ, ये सर्विस टैक्स में भी था और GST में भी रखा उन्होंने। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो हाँ, पर मुझे बताओ, मैंने कमीशन की बात की, ब्रोकरेज की बात की या सिर्फ इंटरेस्ट की बात की? सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बताया, ये समझ में आया ना। मतलब कमीशन पे GST है, ब्रोकरेज पे GST है, आई जस्ट हैड टॉक अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को एग्जम्पशन दिया गया। अब बात निकली है तो और दूर तक जाएगी, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। ओके, इंटरेस्ट इंडिया में दो टाइप के लगते हैं, एक लोन का इंटरेस्ट, डिपॉजिट एडवांस का इंटरेस्ट, और एक डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट। वर्डिंग देखो क्या, डिले पेमेंट। अब डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट मतलब क्या, मतलब मैंने आपको गुड्स बेचा, जो डेटर से मिलता है, जो क्या डेट, मैंने आपको गुड्स बेचा और आपको कहा कि अगर एक महीने में पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और एक महीने बाद पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो बचाओ, ये इंटरेस्ट लोन का है या मेरे सप्लाई ऑफ गुड्स का है, या मैंने आपको सर्विस दी कंस्ट्रक्शन सर्विस, मैं बिल्डर हूं, अरे है ना, मैं आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूं और मैंने कहा कि एक महीने में पेमेंट किया तो ठीक, नहीं तो इंटरेस्ट लगा होगा, अरे यस और नो। तो गुड्स हो या सर्विस, या फिर BSNL का बिल है, पेमेंट किया तो ठीक, नहीं तो लेट फी या इंटरेस्ट लगेगा, अरे यस और नो। तो इंटरेस्ट अब ये लोन का नहीं है, ये इंटरेस्ट जो आपने गुड्स का सप्लाई किया, जो आपने गुड्स का सप्लाई किया या जो सर्विस का सप्लाई किया उसका एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है, उसका एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये इंटरेस्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, इस पर GST लगेगा। यानी अगर आपके बायर से डिले पेमेंट का अगर इंटरेस्ट मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर योर सप्लाई, उस बात का अगर आपने डेटर से इंटरेस्ट लिया होगा तो उस पर GST लगाया जाएगा, उसको नहीं छोड़ा। किसको छोड़ा, जो किसका इंटरेस्ट होना चाहिए, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स। आई होप यू अंडरस्टूड, चलो ये भी चार्ट बना लो यहां कहा, और हम बात सिर्फ इंटरेस्ट की कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल दो इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट में दो पार्ट करना, पहला पार्ट करना इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स। देखो लिखने का तरीका, मैंने क्या लिखा, इट्स अ सर्विस एज डिफाइन अबव, बट क्या एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी नो GST फिलहाल एग्जम्प्ट है। इट्स अ सर्विस एज डिफाइंड अबव बट एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट, ब्रैकेट में नो GST। अच्छा दूसरा बताओ, दूसरा इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सेकेंड पार्ट में इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम डेटर्स फॉर क्या
सप्लाई। फॉर सप्लाई टीवी सर्विस में तो होते का। अच्छा अपन नंतर बोल मला आठवण। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इट लिखो, इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15(2)(d) एंड रेड पेन होगा तो यूज करो, जीएसटी इज पेबल एंड जीएसटी इज पेबल। डन, सबको समझ में आ गया? चलो यहां पे आगे हमारे डिस्कशन पे आते हैं। मनी की डेफिनेशन दिया है मैंने, लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस मैं रीड कर लेता हूं। जो ऊपर का है, एक्सक्लूड मनी, इट इज इंडियन लीगल टेंडर ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मनी माना जाएगा। और प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्शनेबल क्लेम, कभी वो एक्शनेबल क्लेम में क्लासीफाई होता है, कभी मनी में क्लासीफाई होता है, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या? उसके बाद में लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। ठीक है। हाँ, पर ये लाइन देखो, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्टिक वैल्यू। ओके, इसका एग्जाम्पल लिखो। न्यूमिस्टिक वैल्यू मतलब क्या? अब हो सकता है कुछ ऐसी करेंसी जो है वो यहाँ पे पहले करेंसी थी पर आज उसकी सिर्फ न्यूमिस्टिक वैल्यू है। न्यूमिस्टिक वैल्यू मतलब ओके, जैसे पुराने ओल्ड कॉपर कॉइन, एग्जाम्पल लिखो, पुराने क्या? ओल्ड कॉपर कॉइन या गोल्ड कॉइन। अच्छा मुझे बताओ, पुराने ओल्ड कॉपर कॉइन्स अशोका के इरा के, तब वो करेंसी थी और आज वो करेंसी ये है कि जस्ट उसकी कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू हो सकता है, ज्यादा हो कम हो। समझ में आया क्या? ओके, 1000 रुपए का नोट 2000 कौन सा ईयर था, 16 के पहले का, अरे आया ना, डिमोनेटाइजेशन के पहले का, आज उसकी जस्ट न्यूमिस्टिक वैल्यू। समझ में आया क्या? तो वो करेंसी नहीं माना जाएगा, यानी पुराने गोल्ड कॉइन किसी ने बेचे, पुराने कॉपर कॉइन किसी ने बेचे, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा? यस, क्योंकि वो करेंसी नहीं है, वो मनी नहीं है। उसके बाद में ओके, साइड में नोट लिखना है तो लिख देना, बिटकॉइन नॉट ट्रीटेड एज क्या? मनी। बिटकॉइन नॉट ट्रीटेड एज मनी as not notified by RBI, as not notified by RBI, चलिए। उसके बाद में फिनेंशियल सर्विस पे, बैंक और इंस्टीट्यूशंस, लेंडिंग, बोरोइंग वगैरह, ओके, तो ये फिनेंशियल सर्विस पे इंटरेस्ट एलिमेंट पे जीएसटी नहीं आएगा, एग्जाम मिलेगा, हमने देख लिया। मनी और सिक्योरिटीज ठीक है, गुड्स के डेफिनेशन के बाहर है। चलो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। ये डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये वाला सर्कुलर मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ, यहाँ आप आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर P10 पे, क्वेश्चन नंबर P10 पे, ठीक है। एस बैंक एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर 20XXXY, ठीक है। कैलकुलेट जीएसटी लायबिलिटी इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, मतलब 9% ईच। ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल द ट्रांजेक्शन आर टू बी क्या? इंटरेस्टेड। बैंक है और बैंक के ट्रांजेक्शन दिए हैं, ठीक है।
टर्म लोन गिवन, क्या होगा इसका इंपैक्ट जीएसटी में? लोन दिया, ट्रांजेक्शन इन मनी, अरे आया ना, क्या जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. व्हाट शुड बी द रिमार्क? करेक्ट करेक्ट. क्या मनी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस? एग्जाम नहीं. मनी सिर्फ पैसा दिया ना, मनी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस. दूसरा, इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. इट्स अ सर्विस बट एग्जम्प्टेड. अरे है ना, क्या लिखोगे? इट्स अ सर्विस बट क्या? एग्जम्प्टेड. रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट. जीएसटी में कैलकुलेशन बहुत इजी और रिमार्क उतना ही इंपॉर्टेंट. समझ में आया क्या? थर्ड, इंटरेस्ट अर्न ऑन ओडीसीसी इट्स अ सर्विस बट एग्जम्प्टेड. इंटरेस्ट अर्न ऑन क्रेडिट कार्ड, हाँ मैं आपको अभी बता देता हूँ, एग्जम्पशन बाद में आएगा. ओके, क्रेडिट कार्ड को उन्होंने एग्जम्पशन नहीं दिया है. ओके, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड पे जीएसटी आएगा. ओके, ये मैं कह रहा हूँ सुन लो, मैं बाद में कवर कर लूँगा, ठीक है? तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा. बैंक चार्जेस ऑन वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन, यस टैक्सेबल. सर्विस एनीथिंग अदर देन गुड्स. समझ में आया क्या? इट्स अ सर्विस. कमीशन अर्न ऑन फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, इसको कोई एग्जम्पशन नहीं, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट का बोला है. इट्स अ सेपरेट कंसिडरेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी. और नेक्स्ट, सेल ऑफ क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड. बॉन्ड बॉन्ड क्या है? सिक्योरिटीज है. अरे है ना, बॉन्ड क्या है? सिक्योरिटीज है. तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज हुआ, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज हुआ, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. चलो सॉल्व करते हैं. क्या पूछा है इन्होंने? क्या पूछा है? कैलकुलेट जीएसटी राइट. अब देखो यहां पे सिंपल वे में सारे, अब देखो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सभी ध्यान रखना, सभी ध्यान दो, सभी ध्यान दो. अगर आपके प्रॉब्लम में इंट्रास्टेट दो टाइप के फॉर्मेट होने चाहिए, और कुछ फॉर्मेट्स में बताऊंगा, पर अभी बेसिक लेवल पे दो टाइप के, ठीक है? अगर आपके प्रॉब्लम में सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा है या सारे ट्रांजेक्शन इंटर है, तो क्या करना, टेबल कैसा आना चाहिए समझ लो. पर्टिकुलर्स, आपका टेबल कैसा आना चाहिए? तो पर्टिकुलर्स, ये समझ में आए क्या? टैक्सेबल वैल्यू एंड क्या? रिमार्क. रिमार्क सब पूरी टैक्सेबल वैल्यू लिख देना, टोटल करना, और सारे ट्रांजेक्शन पे सारे इंट्रा है, सारे इंट्रा है, तो नीचे सीजीएसटी और एसजीएसटी, दैट्स ऑल. ये समझ गए क्या? ओके, तो क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा थे, पहले टोटल निकाल लेना और फिर एक साथ जीएसटी निकाल लेना. लेकिन अब आपके कुछ ट्रांजेक्शन इंट्रा दिए हैं और कुछ ट्रांजेक्शन इंटर दिए, तो फॉर्मेट बदल जाना चाहिए. फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, समझ में आया क्या? टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी. ये समझ में आया क्या? अब बेटा क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप ट्रांजेक्शन लिखते जाओगे तो किसी पे इंट्रा है, किसी पे इंटर है, अलग अलग जीएसटी निकलेगा आपके. आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? ये जो है, फिर सर रिमार्क के लिए स्पेस नहीं बचेगी, तो ऐसे केस में रिमार्क का फिर टैग लगाना पड़ता है, रेफरेंस नोट नंबर वन. अरे है ना, रेफरेंस नोट. तो अब जब आप रिमार्क लिखोगे, फिर ये केस में समझ लो, आपने पर्टिकुलर्स में लिखा गुड्स ए, आई रिपीट गुड्स ए, आइदर ब्रैकेट में रिमार्क लिखो वहीं के वहीं पर्टिकुलर्स में, या टैग लगा दो उसको और नीचे उसका नोट दे दो. आई होप प्रेजेंटेशन क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है? तो अब चलो टेबल यहां पे क्या करूं मैं, क्या करूं, तीन कॉलम अलग अलग करूं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी? नहीं, सारा सारा वैल्यू एक ही इसमें आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मुझे रिमार्क वहीं एडजस्ट हो जाएगा मेरा. चलो तो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एस बैंक, टाइटल दो, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एस बैंक, टेबल बिना टाइटल के. समझ में नहीं होना चाहिए, टाइटल तो होना ही चाहिए. ऑफ एस बैंक, मंथ दिया हो तो मंथ, फॉर द मंथ वगैरह, पर यहां मंथ दिया नहीं है. चलो लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो पर्टिकुलर्स,
टैक्सेबल वैल्यू एंड रिमार्क, रिमार्क के लिए ज्यादा स्पेस, पर्टिकुलर के लिए कंपैरेटिवली कम, पर्टिकुलर्स टैक्सेबल वैल्यू एंड क्या रिमार्क। नहीं, एक एक बात समझ लो, एक एक बात समझ लो कि प्रेजेंटेशन कैसा, छोटी छोटी बातें होती है बहुत इग्नोर करते हो आप। ओके, मेरे से स्टार्टिंग में समझ लो, बाद में नहीं समझाऊंगा मैं। पहली बात, ओके, पर्टिकुलर्स में मैं रिमार्क के लिए लिख रहा हूं, स्पेस दे रहा हूं, तो अच्छी बात है। पर्टिकुलर्स में क्या लेंगे हम, TERM कर दो उसको, टर्म लोन गिवन। अब टर्म लोन गिवन, मुझे बताओ इसके ऊपर GST आता है कि नहीं आता है? अब कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा, GST नहीं आता है तो लिखते क्यों जब आता ही नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे रिमार्क लिखना है उसका। जब तुमने इधर डिसीजन ले लिया रिमार्क का, अरे यस और नो, तो फिर आपको हर ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर GST आए या ना आए। आई होप यू अंडरस्टूड। तो लिखो, पहला टर्म लोन गिवन, टर्म लोन गिवन, ठीक है। अगर टर्म लोन दिया गया तो टैक्सेबल वैल्यू में डैश कर दिया, रिमार्क लिखो, इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑनली इन मनी, क्योंकि लोन दिया, इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑनली इन मनी, विच इज एक्सक्लूडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्या बेटा, गुड्स एंड सर्विसेस, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डन। सेकेंड, सेकेंड लिखते जाओ, इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन डैश टैक्सेबल वैल्यू में। अच्छा, ये डैश क्यों, एग्जम्प्ट है, लिखो तो डैश लिखो यहां पे, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज, रिमार्क में लिखना, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स इज अ सर्विस, इज अ सर्विस बट एग्जम्प्टेड, अंडरलाइन, बट एग्जम्प्टेड, अंडरलाइन, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बेटा, इंटरेस्ट अर्न ऑन ओडी और CC, सेम रिमार्क, टैक्सेबल वैल्यू नील और रिमार्क सेम, सेम एज अबव, सेम एज अबव। नेक्स्ट क्या था, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, लिखो टैक्सेबल वैल्यू में 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल वैल्यू में लिखो 10 लाख, एक बार फिर से ओडी और CC का रिमार्क सेम एज अबव, समझ में आया क्या? अब हम क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, तो यहां पे टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख, अच्छा क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट एग्जम नहीं है, समझ में आया क्या? तो लिखो, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज नॉट एग्जम्प्टेड, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज नॉट एग्जम्प्टेड, इज नॉट एग्जम्प्टेड। डन। उसके बाद में बैंक चार्जेस और वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन 10 लाख, बैंक चार्जेस ऑन वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन 10 लाख,
क्या होगा इसका? इट्स अ सर्विस एंड टैक्सेबल, इट्स अ सर्विस एंड टैक्सेबल। नेक्स्ट कमीशन अर्न, इसका रिमार्क मैं बताऊंगा। कमीशन अर्न ऑन कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, अच्छा इसका रिमार्क मैं जानना चाहता हूँ, क्या दोगे? वॉलेंटियर, देखो मेरे साथ डिस्कस करो, इंटरेक्ट करो, गलती हो गई तो होने दो। एक आंसर आया सिर्फ टैक्सेबल लिखेंगे, दूसरा इट्स अ सर्विस एंड टैक्सेबल, चलो दूसरा आंसर आया इट्स अ सर्विस एंड टैक्सेबल, तीसरा हाँ अगर मैं इवैल्यूएटर हूं तो अगर कोई लिखता है कि ये टैक्सेबल है ठीक है, मजा नहीं आया। कोई कहता है कि इट्स अ सर्विस एंड टैक्सेबल, ठीक है मजा नहीं आया। पर अगर कोई कहता है कि सर्विस इंक्लूड्स सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी, अरे यस और नो? सर्विस इंक्लूड्स क्या? सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी एंड हेंस टैक्सेबल, तो फिर मजा आया। आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ तो ऐसे दो तीन जब सामने सब पेपर रहते हैं ना, इसने भी आंसर शीट दी, इसने भी आंसर शीट दी, इसने भी आंसर शीट दी, और मैं चेक कर रहा हूँ, अरे आया ना। और अगर उसको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मजा आ गया ना तो उसके हाथ से ऐसे मार्क बिल्कुल छूटते जाते हैं। समझ में आया क्या? बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है, और ये स्पेसिफिक ऐसे नहीं होते सडनली, जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ते जाओगे आपको समझते जाएगा, आपकी मैच्योरिटी बढ़ते जाएगी। तो चलिए तो लिखो, डेफिनेशन ऑफ सर्विस इंक्लूड्स, सेक्शन तो हमें याद नहीं है, एग्जाम में मत लिखना। डेफिनेशन ऑफ सर्विस इंक्लूड्स इंक्लूड्स सेपरेट कंसिडरेशन, अंडरलाइन द वर्ड, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर क्या लिखोगे? फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी, फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी, हेंस इट इज टैक्सेबल, हेंस इट इज टैक्सेबल। और लास्ट लिखो सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड डैश, क्यों डैश? बॉन्ड सिक्योरिटीज है, लिखो बॉन्ड इज अ सिक्योरिटीज, बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी एंड एक्सक्लूडेड from the definition of goods and services, goods and services। मैं जस्ट थोड़ा अपनी चीज को जस्टिफाई करना चाहता हूं, और वो आपके बेनिफिट के लिए। मैं बस सभी जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड ओडीपीडी पे बाद में देखेंगे या फेस टू फेस स्टूडेंट, देखो मैं चाहता तो आपको दो मिनट में समझा सकता, टैक्सेबल एग्जाम, टैक्सेबल एग्जाम, टैक्सेबल एग्जाम, आप भी मुंडी हिला देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गया। पर भाई साहब मैंने ये एक्स्ट्रा 12 मिनट दिए, क्यों दिए मुझे बताओ? सॉल्व करते वक्त तुमको चीजें समझ में आएगी कहाँ प्रॉब्लम जाता है। आपका तो प्रॉब्लम टेबल से चालू होता है, फॉर्मेट से, ओके, और वो मुझे इनिशियल स्टेज पे पढ़ाना है। इसलिए अगर मैं इनिशियल स्टेज पे टाइम ले रहा हूं तो मैं आपके लिए ले रहा हूं, आप मुझे जरूर याद रखोगे। और भाई साहब आप मेरे सामने ऐसे बैठे हो तो ऐसे नहीं आपके सीनियर ने बोला होगा तभी बैठे हो, अरे यस और नो? हाँ तो मेरे पे छोड़ो, करना क्या है, ठीक है। तो यहां पर यह हुआ प्रॉब्लम नंबर 10। चलिए अब आ जाए प्रॉब्लम नंबर 11, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ओके मजा आएगा इस प्रॉब्लम में आपको। हाँ जीएसटी निकालो ना आप नालायक को, क्या देख रहे हो?
निकालो, टैक्सेबल वैल्यू आ गई क्या आपकी ये प्रॉब्लम में? कितनी आई टैक्सेबल वैल्यू? सबकी कॉमन आनी चाहिए 85 लाख। कितनी? 25। अच्छा तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू 25 लाख, तो 25 लाख टैक्सेबल वैल्यू आई। नीचे निकाल लो CGST 9%, SGST 9%, इंट्रा है ना, डन। चलो 2.25 ईच, वेरी गुड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ी बड़े एक्टिव है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट P11। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ओके, XYZ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग क्या? शर्ट। ठीक है, इट हैज परचेस फैब्रिक्स ऑफ 5000 मीटर्स। अच्छा, शर्ट के लिए क्या खरीदा? फैब्रिक्स। कितना? 5000 मीटर्स फॉर 10 लाख। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2000 शर्ट बाय यूजिंग 4000 मीटर्स ऑफ क्या? फैब्रिक्स। कितने शर्ट्स बनाए? 2000 शर्ट्स। 1000 मीटर्स ऑफ फैब्रिक इज स्टिल लाइंग इन क्या? स्टॉक। अच्छा, स्टॉक में पड़े हैं। द कंपनी फाउंड दैट 500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक्स इज इन एक्सेस एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू मिस्टर क्या? बी। एक मिनट, कितने खरीदे थे? 5000 मीटर पे। उसमें से शर्ट्स कितने बताए? 2000। कितना यूज किया? 4000। जितने शर्ट्स बनाए थे उसमें के स्टॉक बाकी है शर्ट्स का, और फैब्रिक्स का रॉ मटेरियल का स्टॉक भी बाकी है। अरे है ना। अच्छा, रॉ मटेरियल बेचा भाई साहब कंपनी पर, क्या रॉ मटेरियल पे GST आएगा क्या? अरे GST सिर्फ फिनिश गुड्स पे आता है। गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, समझ में आया क्या? ये रॉ मटेरियल पे GST लगेगा क्या? हाँ लगेगा। सेल इट टू द मिस्टर बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन मैन्युफैक्चर। एक मिनट। अच्छा, 500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक इन एक्सेस एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू मिस्टर बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जनरेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉल्ड चिंदी। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड, ओके, यहां पे वेस्ट भी बेचा तो क्या GST आएगा? यस। डिटरमाइन GST लाइबिलिटी ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलो, अच्छा केस स्टडी आ गया आपके पास, और ये कह रहा है कि भाई मैंने इतने ट्रांजेक्शन्स किए, समझ लो अज्यूम करते हैं इस मंथ में किए, इस मंथ में मेरा GST निकालो, GSTR1 दो, फिर 3B दो, फिर क्रेडिट लो। अच्छा, इसने नेट बोला है या सिर्फ GST लाइबिलिटी बोला है? GST। और देखो ITC के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं दी है, अरे समझ में आया क्या, तो फिर आपने टोटली निकाल के दे देना। ITC दिया हो तो नेट निकालना। अरे यस और नो। चलो अब देखो, ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 500 शर्ट्स आर सोल्ड एट द रेट 200 पर शर्ट एंड अप्लीकेबल रेट ऑफ GST क्या? 18%। नीचे एक लाइन लिखो, ऑल ट्रांजेक्शन, एक लाइन लिख लो वहां पे, ऑल ट्रांजेक्शन, सॉरी, अज्यूम ऑल ट्रांजेक्शन आर इंट्रास्टेट सप्लाई, अज्यूम ऑल ट्रांजेक्शन आर इंट्रास्टेट सप्लाई एक्सेप्ट डी। ये समझा क्या? ठीक है, मतलब यहां पे पहला जो 500 शर्ट सेल हुए, क्या रेट से सेल हुए? 18%। अरे समझा नहीं समझा, तो मुझे बताओ इंट्रास्टेट सप्लाई, क्या इसके ऊपर GST आएगा? यस, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, दूसरा, वेस्ट चिंदी सोल्ड फॉर ₹2 लाख एंड अप्लीकेबल रेट इज 5%। वेस्ट बेचा 2 लाख पे, क्या GST आएगा? हाँ आएगा। उसके बाद में 500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक्स इज सोल्ड फॉर ₹300 पर मीटर, रॉ मटेरियल बेचा, ये प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट यही है, बस एक ही चीज समझाना है, GST फिनिश गुड्स पे नहीं आता है, GST एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, समझ में आया क्या? तो क्या उसके ऊपर GST आएगा? यस। हाँ, नेक्स्ट देखो, 300 शर्ट्स आर ट्रांसफर टू अनादर रजिस्टर्ड ब्रांच।
टू क्या अनादर रजिस्टर ब्रांच लोकेटेड इन क्या डिफरेंट स्टेट. सच स्टॉक ट्रांसफर इज वैल्यूड 200 पर शर्ट एंड अप्लीकेबल रेट क्या 18%. उसका जीएसटी के लिए वैल्यूएशन किया गया एज पर रूल 30. कल याद होगा तो आपको यार उसको दे दिया, उन्होंने दे दिया आपको क्या वैल्यूएशन होना चाहिए. तो स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यूएशन बताया 200 rupees पर शर्ट. क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? स्टॉक ट्रांसफर. हाँ कोई ना बोल दो भाई साहब मैं बाहर निकल जाऊंगा. आप नालायक है ना बोलेंगे ना बोलेंगे. ओके उसके बाद में नेक्स्ट 100 शर्ट्स आर ट्रांसफर टू अनदर ब्रांच विद इन द सेम स्टेट विच इज नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. अच्छा एक मिनट. 100 शर्ट्स आर ट्रांसफर टू अनदर ब्रांच विद इन अ क्या सेम स्टेट विच इज नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. क्यों? सेम रजिस्ट्रेशन में. अच्छा यहाँ टैक्स इनवॉइस बनेगा या चालान बनेगी? चालान बनेगी. आई होप यू अंडरस्टूड. चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. आ जाइए यहाँ पे लिखो. अच्छा मैं फॉर्मेट कैसे बताऊ? अलग अलग रेट है. इंटरस्टेट भी है इंट्रास्टेट भी है. अरे यस और नो? तो फिर क्या करें? रेट्स भी अलग अलग है. तो बेटर वे आप पर्टिकुलर्स टैक्सेबल वैल्यू IGST CGST SGST रिमार्क्स के टैग. अरे है ना. या फिर रिमार्क आप पर्टिकुलर कॉलम में. ठीक है तो चलिए शुरू करो. यहां पे शुरू करो. क्या टाइटल दोगे? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी लायबिलिटी. टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी लायबिलिटी ऑफ क्या? ऑफ XYZ लिमिटेड. फटाफट. कॉलम बनाओ फटाफट. पर्टिकुलर्स टैक्सेबल वैल्यू IGST CGST और क्या बेटा SGST. क्या करें? क्लास में मेंटेन करने के लिए टैग लगाए या पर्टिकुलर्स के इनर में लिख दे रिमार्क? टैग लगाए. चलो यहां पे टैग लगाते हैं. तो यहां पे पर्टिकुलर्स में पहला ले लो. क्या आएगा पहला? सेल ऑफ शर्ट. तो वहां पे इंट्रास्टेट सेल ऑफ शर्ट. इंट्रास्टेट सेल ऑफ शर्ट कितनी टैक्सेबल वैल्यू उसकी? एक कैलकुलेटर के 30 lakhs आ रही है. ऐसा पूरा कैलकुलेशन बताओ. 30 lakhs ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई किया आपने? 1500 इंटू 2000. ब्रैकेट में बताओ 1500 इंटू 2000. यस डू इट फास्ट. ठीक है. अच्छा टैग भी लगा दो. Note 1 टैग भी लगा दो. Note 1. ठीक है निकालो. क्या लगेगा? ये इंट्रा है ना. निकालो. अच्छा जीएसटी क्या रेट से? इसका क्या रेट से? 18 है ना. तो निकाल लो 99 इच. हाँ 2,70,000 और ये भी 2,70,000. डन. यस करो बाकी का. सेकंड थर्ड डू इट फास्ट. फोर्थ में क्या लगेगा बेटा? इंटरस्टेट. क्या लगेगा? IGST. टैग लगाते जाओ. नोट में मैं दूंगा आपको. नोट्स मैं लिखवा के दूंगा. आप सिर्फ टैग लगाओ. Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 टैक्सेबल वैल्यू की पूरी डिटेल्स बताना. कैसे निकाली आपने? 4 भी हुआ
फाइव भी ले लेना, यानी दैट ई, ई में वैल्यू डैश आएगी ना, ई में 100 शर्ट्स, स्टॉक ट्रांसफर अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन ना, अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन, सभी डैश आएगा, जीएसटी नहीं आएगा उसके ऊपर। नोट फाइव, नोट फाइव, हो गया। बताओ टैक्सेबल वैल्यू टोटल कितनी आई, टैक्सेबल वैल्यू 39 लैक्स, 39,50,000, आईजीएसटी 1,08,000, वेरी गुड, 1,08,000, CGST 278,750, सबका मैच हो रहा है, वेरी गुड। पहला वाला IGST 1,08,000, इजी लग रहा है, वैसे इजी नहीं था बट ठीक है। राइट डाउन नोट्स, ओन ओन ब्रांच में सिंगल रजिस्ट्रेशन, नहीं नहीं नहीं, टैक्सेबल वैल्यू मतलब फॉर जीएसटी, प्राइस इज नील, जीएसटी पर्पस के लिए आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना पड़ता है और वो एज पर रूल 30, इसलिए वहां बिना टैक्सेबल वैल्यू का टैक्स कैसे लगाएगा, नहीं समझे आप। अगर आप अदर स्टेट में, दो मिनट समझ लो, फिर से एक बार समझ लो, अगर आप अदर स्टेट में जब गुड्स ट्रांसफर करते हो खुद के ही ब्रांच में, अरे समझ में आया क्या, एक्स वाई जेड अपने ही ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा है तो आपकी यहां प्राइस दिखेगी नील, समझ में आया क्या, यहां प्राइस दिखेगी नील, पर एक रो एड करके आपको निकालनी पड़ेगी टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके बाद नहीं समझा होगा, कसम मां कसम, अरे है ना, ये मेरे बहुत बार समझा दिया, मतलब आपको वैल्यू बतानी पड़ती है पर वो आप आपका कंसिडरेशन होता है या वो जस्ट जीएसटी के लिए होती है, जस्ट जीएसटी, आपका तो कंसिडरेशन नील है, समझ में आया क्या, क्योंकि इट्स अ स्टॉक ट्रांसफर। ये चार्जिंग ला लो, ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ गया होगा। हाँ चलो, राइट डाउन नोट्स, पहले का क्या नोट्स दो,
अरे क्या नोट जो पहले का सिंपल है मैं, इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स, सिंपल है मैं, सिंपल नोट आएगी, इट्स अ क्या सर। और क्या करूँगा, जब धीरे धीरे तुम मैच्योर हो जाओगे ना, तो ऐसी सिंपल नोट्स भी कट हो जाएगी, मेन मेन नोट्स ही रहती है, समझ में आया क्या। तो चलो पहले को, पहले का इट्स अ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, पहले का नोट लिखो, इट्स अ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। Intrastate supply of goods and liable to CGST and SGST. Liable to CGST and SGST. Secondly, goods includes every kind of movable property. Goods includes every kind of movable property. Hence, waste is also liable to GST. Third, likho. Third, same as above. Goods includes every kind of movable property. Hence, raw material. Hence, sale of raw material also liable to GST. Goods includes every kind of movable property, hence sale of raw material also liable to kya? GST. Third ho gaya, fourth likho, ha, fourth bada important hai. As per section 25(4), agar yaad aata hai to, nahi yaad aata hai to, under GST law, theek hai. As per section 25 subsection 4, लिखो, टू रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट्स, टू रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट्स इन सेम और डिफरेंट स्टेट्स आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, are treated as distinct person, full stop, ठीक है। Hence, as per, बताओ 25(4) में वो supply है कि distinct person है, तो supply कहां पे है? Para 2 of schedule 1 of section 71C, कुछ याद है क्या? Hence, as per para 2, hence, as per para 2 of schedule 1 of section 71C, transfer of goods, bracket mein stock transfer, between distinct person in the course of business would be treated as supply, and in case of interstate supply, it is liable to kya? IGST. Next, मुझे बताओ वो distinct person है या under single registration है? भाई साहब अगर ये fifth number नहीं समझ में आ रहा हो तो कल वाला मेरा diagram देखना, तीन branches. Under single registration, अरे है ना, depo और factory single registration, तो वो केस में वो supply बोला जाएगा कि नहीं, and no GST is payable, पर transfer होगा under चालान, लिखो,
फिफ्थ का हंड्रेड शर्ट्स आर ट्रांसफर, हंड्रेड शर्ट्स आर ट्रांसफर बाय एक्सवाइजेड लिमिटेड XYZ Limited to its another branch within a same state, another branch within a same state. एक मिनट रुको, अदर स्टेट में होती भाई तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता. अरे है ना, ये सेम स्टेट का इंपॉर्टेंट है. तो अनादर ब्रांच ऑफ क्या, सेम स्टेट. और अगर वहां लिखा है विच इज नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड का मतलब दैट इज द अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन. अरे है ना, तो देखो हमने क्या लिखा, विद इन अनादर ब्रांच ऑफ क्या, सेम स्टेट विच इज अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन would not be treated as supply, supply as such branches are not distinct person, full stop. अच्छा, रिमोल अंडर टैक्स इनवाइस है चालान. अच्छा, ये रिमोल अंडर चालान मतलब क्या होता है, ट्रक आता है, ड्राइवर आता है, उसको इनवाइस की जगह क्या मिलती है, चालान, और वो चालान लेके जाता है, उसको बोलते हैं रिमोल अंडर चालान. ओके, सो लिखो, सच 100 शर्ट्स विल बी ट्रांसफर्ड, सच 100 shirts will be transferred under chalan. Sir, repeat कर दो point. Repeat नहीं होता है क्योंकि मैं कोई पढ़ के नहीं बताता हूं. Time पे जो सूझता है वो बता रहा हूं. अब मगर मुझे repeat करना है तो मुझे देखना पड़ेगा मैंने क्या बोला है. ठीक है, तो भाई साहब जो भी ये आंसर्स लिख रहा है वो टेलीग्राम में शेयर कर देना. ठीक है, प्लीज, तो टेलीग्राम में शेयर कर देना जो भी आपने लिखा है, तो बच्चों को हेल्प हो जाएगी. चलिए, अब P12 पे आओ. हो गया P12 पे आओ. मिस्टर ए सोल्ड हिज बिल्डिंग, sold his building of 80 lakhs to Mr. B. Building पे GST आएगा? 80 lakhs पे आएगा? नहीं आएगा? Immovable property. For such sale, he has appointed a broker, Mr. C, to whom brokerage 2 lakhs was paid. Brokerage is a service. I hope you understood. Okay, so determine GST liability of Mr. A and Mr. C, if any. Mr. A पे तो नहीं आएगा. Because sale of immovable, पर सी ब्रोकरेज है, इट्स अ सर्विस. चलो लिखो, फटाफट लिखो, दो मिनट में हो जाना चाहिए, इतने फास्ट लिखो. लीगल प्रोविजन, राइट डाउन लीगल प्रोविजन. ठीक है, यहां पे एक मिनट, मुझे यह बताना है कि इमोवेबल प्रॉपर्टी पे गुड्स नहीं, जीएसटी नहीं आता है. तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा, सुनो, पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि जीएसटी सिर्फ गुड्स और सर्विस पे आता है. समझ में आया क्या? और फिर मुझे लिखना पड़ेगा कि इमोवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं आता है. आई होप यू अंडरस्टूड. तो लिखो, एज पर सेक्शन 7(1)(a), एक मिनट सभी रुक जाना, ऑनलाइन फेस टू फेस सभी यूट्यूब, ठीक है, पॉज करो, इमेजिन करो सेक्शन 7(1). अरे है ना, 7(1) इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स. 7(1) में विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, और उसमें ए,
कुछ याद आया क्या? अब देखो कैसे लिखना, देखो एज पर सेक्शन 71A सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स और सर्विसेस। अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, वो भी लिख सकते हो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस। अब देखो वो वर्ड्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सेट्रा, ठीक है, वो जहां अगर जरूरत पड़ी स्पेसिफिकली बार्टर का केस है तो वहां यूज करो, एक्सचेंज का केस है तो वहां यूज, अदरवाइज वो लिस्ट का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ड है ऑल फॉर्म्स, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस मेड फॉर अ कंसिडरेशन, मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। लिखो सेकेंड, एज पर सेक्शन टू। अच्छा एक आपको कहो गया, जब भी कोई आपको डेफिनेशन पे लिखना है तो सेक्शन टू तो लिख ही देना, अरे है ना, जाने दो ना सबको क्या था सब सेक्शन क्या था, टू तो लिख ही देना। तो एज पर सेक्शन टू गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जाने दो एनी नहीं लिखना, एवरी लिखो, चलो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है फुल स्टॉप। देयरफॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ये इवैल्यूएटर को दिखना चाहिए ये लाइन, ठीक है अंडरलाइन करो। थर्ड लिखो, एज पर सेक्शन टू सर्विस मीन्स एनी थिंग अदर देन गुड्स, एनी थिंग अदर देन गुड्स। लिखो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, थंबो नया है वो, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर ए टू बी, इट इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स हेंस नॉट लायबल टू जीएसटी। सेकेंड भी लिख लो, डन वो स्लो लिखते हो यार अब, अरे मेरे पढ़ाने से भी स्लो आप। स्लो नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। चलिए डन, चलिए अब हो गया हो गया हो गया, दो मिनट अच्छा ब्रेक चाहिए, चलो ब्रेक ले लो, चलो फटाफट ब्रेक ले लो, चलो Thank you.
हेलो अगर सर किसी फ्रेंड को उधार देंगे तो क्या जीएसटी आएगा क्या? तो सबसे पहले तो वो वापस ही नहीं करेंगे बेटा, सही कह रहे हैं। पहली बात तो आपने फ्रेंड को उधार दिया, वो पैसा यूज करने दिया, ट्रांजेक्शन इन मनी है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है, उस पर इंटरेस्ट लिया वो भी एग्जम्प्ट है। सिर्फ बैंक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं, इंडिया में कोई भी किसी को लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स दे, फिर आप अनसिक्योर्ड अपने फ्रेंड को दे रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। आज क्लैरिटी थोड़ी है क्या? जैसे आज क्लैरिटी थोड़ी डाउन है क्या कि रेगुलर सर्किस है? चलिए, थोड़ा चलो शुरू करते, चलो 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 नालायक। बाते शाते मुलाकाते क्लास के बाद, ठीक है? चलो मेरे साथ शुरुआत करते हैं फटाफट। पहले वाले पेज पे आ जाओ, नहीं बेटा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, इट्स अ सर्विस। फिर से एक बार समझो, इंटरेस्ट इज अ सर्विस बट क्या एग्जम्प्ट है। ओके सर, वो आप हैंडल क्या घुमाते हो ना, लाइक पढ़ना चुपचाप, वो टेबल नीचे ऊपर कर रहा हो उसमें तू, तेरे को क्या इंटरेस्ट है? चल चल, नाउ वेरियस फॉर्म ऑफ सप्लाई, यहां पे पहले वाले पेज पे आ जाओ, वेरियस फॉर्म ऑफ सप्लाई यहां देख लेते। हां अगर आपको याद होगा तो सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूं कि मैंने क्लास चालू कर दिया है, आप भी अपना सेल्फ असेसमेंट करो। अगर आप अपना सेल्फ असेसमेंट सही ढंग से नहीं करोगे तो मैं स्क्रूटिनी करूंगा। यस और नो? कर लिया सबने सेल्फ असेसमेंट अपना? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखो, वेरियस फॉर्म ऑफ सप्लाई, साइलेंट प्लीज। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये आपके मटेरियल में दिया, मैंने ले लिया, पर मैंने स्टार्ट में बोल दिया कि ऑल फॉर्म, कोई भी फॉर्म में गुड्स और सर्विस जीएसटी आएगा। ये सचेस का मतलब ये बताओ, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, ये क्या दिए एग्जांपल? अरे ये क्या दिए एग्जांपल्स दिए, इसकी कोई डेफिनेशन वेफिनेशन आपको याद रखना नहीं है, ये टेबल का कोई भी पार्ट आपको याद रखना नहीं है। ये समझ में आया क्या? बस पढ़ लेते एक बार, पढ़ लेते एक बार। आपको तो एक ही चीज दिमाग में रखनी है, ऑल फॉर्म्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जीएसटी आएगा। चलिए, सेल यानी क्या? तो बच्चों जहां ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर होता है उसे सेल कहते हैं, ठीक है? तो नाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर प्राइस कंसिडरेशन सेल कहते हैं, वो भी सप्लाई का फॉर्म है। ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पोजिशन और कंट्रोल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लिख दो एचपी, एचपी मतलब हायर परचेस, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, एग्जाम्पल क्या हायर परचेस? क्या हायर परचेस ट्रांजेक्शन पे भी जीएसटी आता है? यस, इट्स अ सप्लाई, हायर परचेस ट्रांजेक्शन पे भी जीएसटी आता है।
प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, आप स्ट्रिक्टली ध्यान दो आप. यश अथर कौन बोला था भक्त नाउ. यहां पे ट्रांसफर बार्टर, बार्टर ट्रांजेक्शन. शायद मैंने कल आपको ज्वेलरी का एग्जाम्पल दिया था. अरे यस और नो, ज्वेलर्स ने नई ज्वेलरी बेची और पुरानी ज्वेलरी ली, क्या ये ट्रांजेक्शन ज्वेलर्स के एंगल से? आई रिपीट, ज्वेलर के एंगल से सप्लाई है? हाँ है. और उसके ऊपर जीएसटी आएगा? हाँ आएगा. ओके, बार्टर ट्रांजेक्शन है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर अदर गुड्स और सर्विस इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी. हियर एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई एज वेल एज क्या? अच्छा, ज्वेलर को नई ज्वेलरी के अगेंस्ट में कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? ओल्ड ज्वेलरी. और बार्टर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगा. उसके बाद में नेक्स्ट बेटा एक्सचेंज. द एक्ट ऑफ गिविंग टेकिंग, एक्ट ऑफ गिविंग और टेकिंग वन थिंग फॉर क्या? अनादर. वेयर पेमेंट इज पार्टली इन गुड्स एंड पार्टली इन मनी. मतलब समझ लो आप मोबाइल, मोबाइल एक्सचेंज कर रहे हो. ओके, इसने नया मोबाइल दिया और पुराना मोबाइल लिया, तो पुराना मोबाइल प्लस क्या लिया? मनी. तो क्या ये ट्रांजेक्शन पे बिजनेसमैन पे जीएसटी आएगा? यस, मोबाइल प्लस मनी, तो ये ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगा. चलो, तो बार्टर ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आते हैं. उसके बाद में लाइसेंस. ओके, परमिशन ग्रांटेड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू एंगेज इन द बिजनेस और ऑक्यूपेशन और इन एक्टिविटी अदरवाइज अनलॉफुल. ओके, मतलब लाइसेंस होते हैं, अगर वो लाइसेंस नहीं हो गए तो अनलॉफुल होगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, आपको सॉफ्टवेयर हमने दिया. अरे यस और नो, सॉफ्टवेयर के साथ की दी है, की वो लाइसेंस की है. मतलब कुछ अमाउंट पे लाइसेंस दिया गया फॉर सॉफ्टवेयर यूज करना है. तो वो जो लाइसेंस फीस होती है बहुत सी जगह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होती है, उसके बाद में गुड्स के सेक्टर में होती है. ओके, अल्कोहल के, चलो अल्कोहल पे जीएसटी नहीं आता है, पर लाइसेंस अल्कोहल पे भी होते हैं तो उस पर भी जीएसटी आएगा. लीज ट्रांजेक्शन, आपने अगर कोई व्हीकल लीज पे दिया, इक्विपमेंट लीज पे दिए, ओके, तो उस पर भी जीएसटी आएगा. रेंटल ट्रांजेक्शन एंड क्या बेटा? डिस्पोजल. डिस्पोजल जनरली यूज होता है इन द केस ऑफ बाय प्रोडक्ट, वेस्ट वगैरह. ठीक है, जहां डिस्पोज हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, वो का यहाँ पे लिया जाएगा. बस इससे ज्यादा इसको टाइम मत देना, आपने भी गो थ्रू कर देना, लर्न वगैरह करना नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, चलो आ जाओ, बाकी केस स्टडीज आगे आते रहेगी. अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं. और सेकेंड पार्ट पे यस, पहला वाला जो पार्ट है सेक्शन 7 का, 7.1, 7.2, उसमें कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, 7.1A, 7.1B. 7.1A का ये वाला पार्ट हमारा हो गया गुड्स या सर्विस, डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस हो गया. और सच एज का मतलब डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन के उसने एग्जाम्पल दी है. अब मैं आता हूँ ये डिस्कशन पे, मेड और क्या? अग्रीड टू बी मेड. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये चारों कंडीशन सेपरेट है या एक साथ क्यूमुलेटिव है? एक साथ क्यूमुलेटिव कंडीशन है. ओके, तो मेड और अग्रीड टू बी मेड. तो चलिए ये डिस्कशन पे आते हैं. मीनिंग ऑफ सप्लाई मेड और अग्रीड टू बी मेड. मेड मतलब यानी क्या? देखो यहाँ पे, गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड और सर्विस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर दैट. और अग्रीड टू बी मेड मतलब जनरली, पहले तो ये इसको अंडरलाइन करो, एडवांस. इसको अंडरलाइन करो, क्या? एडवांस. ठीक है, अब इससे क्या सीख रहे हो आप, थोड़ा समझ लो फटाफट यहाँ पे. ओके, जनरली एक सप्लायर होता है, पूरा ट्रांजेक्शन समझना, आई रिपीट, पूरा ट्रांजेक्शन समझना. गुड्स और सर्विस है, ओके, मंथ ऑफ अप्रैल है, कस्टमर को सेल कर रहा है. ठीक है, समझ लो गुड्स होगा, ट्रक रेडी हो गया है, ओके, और वो गुड्स का क्या कर रहा है बेटा? सप्लाई. ओके, जीएसटी लॉ कहता है कि जब भी आप गुड्स रिमूव करते हो, आई रिपीट द वर्ड, क्या? रिमूव करते हो, तो उसका टैक्स इनवॉइस वही बनना चाहिए. बाद में टैक्स इनवॉइस गुड्स के केस में नहीं चलता है. मैंने क्या वर्ड यूज किया? गुड्स के केस में बाद में नहीं चलता है इनवॉइस. इनवॉइस इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ रिमूवल वही होना चाहिए. इनवॉइस की तीन कॉपी बनती है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट. समझ में आया क्या? ओके, इनवॉइस वहीं क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जब ये ट्रक आगे बढ़ेगा तो उसके साथ उसकी कवरिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. लॉजिक समझा? ओके, तो उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तो इनवॉइस बनेगा. इनवॉइस इमेजिन करो, पहले दिन से आपको सिखा रहा हूँ टैक्स इनवॉइस. अरे यस और नो? ओके, सप्लायर, बायर, जीएसटी नंबर, B2B, B2C, व्हाटएवर इट मे बी. तो टैक्स इनवॉइस जिसमें मैं वैल्यू डिस्क्रिप्शन में
गुड्स का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ। वैल्यू जो है कितना बेटा यहाँ पे 1 लाख, उसके बाद में इसके ऊपर क्या लगेगा जीएसटी, जीएसटी जो भी लगा है इंटरस्टेट इंटरेस्टेट एट द रेट क्या मैं ले लेता हूँ 18%, 18,000 हमारा इनवाइस जनरेट हो चुका है। अब लॉ क्या कहता है कि तुम्हारा टैक्स इनवाइस जनरेट हो गया है, मंथ था मेरा अप्रैल, आई रिपीट मंथ था मेरा अप्रैल, जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उस मंथ का आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, ओके www.gst.in पे जाके, जिसे हम मैं अब वर्ड यूज करूंगा कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल पे आपको GSTR 1, कॉमन पोर्टल पे आपको GSTR 1, GSTR 1 रिटर्न होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आई रिपीट स्टेटमेंट ऑफ आउट। तो जैसे अप्रैल खत्म हो जाएगा अगले महीने की 11 तारीख को, आई रिपीट अगले महीने की 11 तारीख तक, तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 तारीख को नहीं 11 तारीख तक, समझ रहे, तो अप टू 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ यू हैव टू फाइल GSTR 1 ऑन कॉमन पोर्टल, ओके। सो 11th इज द लास्ट डेट एंड GSTR 3B, GSTR 3B क्या होता है, रिटर्न का क्या क्या होता है बेटा रिटर्न में, व्हाट इज व्हाट एवर अवर टैक्स, व्हाट एवर अवर ITC एंड नेट GST, समझ में आया क्या। तो GSTR 3B ये इसकी डेट कब है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ को आपको देना पड़ेगा। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, देखो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि हो सकता है बायर से पैसा बाद में आए, हो सकता है बायर से पैसा बाद में आए, हो सकता है कि आपने पहले सप्लाई मेड, आई रिपीट द वर्ड क्या, सप्लाई मेड, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड पेमेंट रिसीव्ड आफ्टरवर्ड, पेमेंट कभी भी आए, वंस योर सप्लाई इज मेड यू आर लायबल टू पे GST। ये समझाया नहीं समझा, यू आर लायबल टू पे GST। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर कस्टमर से तो पैसा ही नहीं आया, ओके मैंने तो बर्डन पास ऑन कर दिया था और अभी तक पैसा नहीं आया, अब पैसा नहीं आया तो मैं दूं कैसे। जब तक आपको कस्टमर से पैसा नहीं आता आपके पॉकेट से दो, आपके पॉकेट से दो, बट सप्लाई इज मेड यू आर लायबल टू GST इन दैट मंथ, दैट्स ऑल। मैं धीरे धीरे तो ये बताऊंगा, बात निकली है तो इसलिए बता ही देता हूं, अभी बैड डेट भी होती है तो भी GST आता है, आई रिपीट द वर्ड क्या, बैड डेट भी होती है तो भी GST आता है। वंस यू मेड द इनवॉइस, वंस यू मेड द सप्लाई, GST इज लायबल, बिकॉज सेक्शन 7(1)A सेड लेवी इज ऑन सेल मेड, अरे है ना, लेवी इज ऑन सेल क्या मेड, बस खत्म। अरे सर बट नो, कस्टमर से पैसा नहीं आएगा तो बैड डेप्ट है तो GST तो देना पड़ेगा, आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ उसके कुछ एक्सेप्शन है बाद में पढ़ाऊंगा, आई रिपीट उसके कुछ एक्सेप्शन है बाद में पढ़ाऊंगा, पर अभी तो दिमाग में मेड, दैट्स ऑल, समझ में आया क्या, पैसा बाद में आया। अब देखो क्या हो जाता है, बहुत सी बार आप सप्लाई करते हो, समझ लो ये सप्लायर है और ये गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, किसको, कस्टमर को, ठीक है, ये कस्टमर ने एडवांस दे दिया, कस्टमर ने एडवांस दे दिया, सप्लाई बाद में, एडवांस अप्रैल में आ गया, एडवांस अप्रैल में आ गया, मैं सप्लाई मई में करूंगा, मेरा ट्रक रेडी होगा कब, मई में, ये समझ में आया क्या। तो अब सवाल है ये एडवांस आ गया तो यहां पे क्या GST में, एडवांस पे GST आएगा क्या, कस्टमर से एडवांस है, जाने दो दूर क्यों जाते हो, मेरी बैच अनाउंस हुई, ओके बैच GST का बैच 2 महीने बाद चालू होने वाला है, आपने पैसा पहले ही दे दिया, आपने पहले पैसा पहले ही दे दिया विथ क्या GST, विथ GST, समझ में आया क्या। तो GST काउंसिल मीटिंग में सारे फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसाइड करनी है जो एक्साइज और वैट में नहीं थी, एक्साइज और वैट में एडवांस पे GST नहीं आता था, एक्साइज और वैट में एडवांस पे GST नहीं आता। लेकिन मैं सभी फाइनेंस मिनिस्टर को ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई सप्लायर को एडवांस मिलता है तो जब उसको एडवांस मिलता है क्या हम उसी वक्त हमारा GST ले ले, क्यों, कौन फाइनेंस मिनिस्टर फेवर में, यहाँ तो बाकी फाइनेंस मिनिस्टर बाकी सब डिसाइड कर रहे हैं, क्यों, जाने दो, और कोई तो सो रहा है कंटिन्यूस, मेरे को बताना कौन सो रहा है,
ओके तो यहाँ पे मुझे बताओ कि एडवांस पे जीएसटी लाना है तो क्या क्या रीजन क्या? तो यहाँ पे सभी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया या जीएसटी काउंसिल ने मेजोरिटी से डिसाइड किया कि भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जितना जल्दी कलेक्शन हो उतना अच्छा। समझ में आया कि नहीं? अगर सप्लायर को पैसा मिल चुका है, आई रिपीट, सप्लायर को पैसा मिल चुका है तो हम क्यों रुके? आई होप यू अंडरस्टूड। भाई अपना लेके खत्म करो ना यार, फिर वो गुड्स दे या ना दे बाद में देखेंगे, पहले अपने आप को सिक्योर करो एडवांस पे। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, और मैं अभी नहीं बता सकता, मैं एक चैप्टर में बताऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत प्लानिंग हुई, एडवांस ले लेना, डिलीवरी बाद में देना, पैसा ले लेना, ओके, टैक्स को डिफर्ड कर देना, ऐसे लोगों ने कैसे कैसे प्लान किए बाद में बताऊंगा। अभी तो जीएसटी काउंसिल में पुराने लॉ के एक्सपीरियंस को देख के, दूसरा बिजनेसमैन वाले को पैसा मिल चुका है, ठीक है, डिलीवरी बाद में देखा, पर वो एग्री कर चुका है ना, आई रिपीट द वर्ड, क्या वो एग्री कर चुका है ना, वो सप्लाई कर रहा है, तो फिर हम लेट क्यों करें जब पैसा मिल गया उसको? तो सभी सभी स्टेट, मेरे को बताइए, ओके, जब जीएसटी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जो बाद में काउंसिल हुआ, ये एक पॉइंट था एडवांस का, क्या करें, मेजर डिस्कशन था, तो सबने ये कहा कि इवन दो एक्साइज में नहीं होगा, इवन दो वैट में नहीं होगा, क्योंकि पहले एक्साइज और वैट एडवांस पे नहीं आते थे, लेकिन हम जीएसटी में रखेंगे, और जीएसटी में अगर सप्लायर को एडवांस मिल जाता है, ओके, तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा, लेवी होगी। हाँ, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो उसके में हमें एडजस्टमेंट मिलती है। आई रिपीट, बाद में कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले ली, पर कोई स्टूडेंट नहीं आ पाया पुणे में, या वो सीए नहीं करना चाहता, एडमिशन ले लिया और वो कह रहा है कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, और मैं भी रेडी हो गया, जब तू कर ही नहीं रहा है तो छोड़, मैं तुझे रिफंड देने को रेडी हूँ। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो बाद में एडजस्टमेंट मिल जाती है, अभी इतना ही याद रखो, ये समझ में आया क्या? पर एडवांस पे जीएसटी लगेगा, ये कॉमन पॉलिसी डिसाइड हुई। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, और 1 जुलाई 2017 को एक मेजर डिसीजन जो इंडस्ट्री को अफेक्ट होने वाला था, वो डिसीजन था एडवांस। ओके, क्योंकि 1950 से लेके तो 2017 तक, ओके, सारे इंडस्ट्री ने कभी भी, यानी 67 इयर्स में कभी भी एडवांस पे टैक्स नहीं दिया था, कभी भी एडवांस पे टैक्स नहीं दिया था। समझ लो कोई किसी को एडवांस मिलता है तो टैक्स अभी नहीं, जब बिल बनेगा, आई रिपीट, जब बिल बनेगा तब देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन ये इतना बड़ा मेजर डिसीजन था, ओके, तो यहाँ पे जब ड्राफ्टिंग हुई सेक्शन 71A की, कम ऑन, सेक्शन 71A की, तो उसमें क्लियर लिखा गया सप्लाई मेड, और एक वर्ड ऐड कर दिया, क्या, और अग्रीड टू बी मेड। अग्रीड टू बी मेड मतलब अगर आपको एडवांस मिलता है तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। और भाई साहब, जब ये लॉ प्रेजेंट हुआ, अप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 को, सारे सप्लायर ऑफ गुड्स, आई रिपीट द, क्या, सप्लायर ऑफ गुड्स यहां पे, ओके, सब परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने जैसे ही उन्होंने इंटरप्रेट किया लॉ को कि भाई एडवांस पे भी क्या आने वाला है, जीएसटी, अपोज होना चालू हो गया, अपोज होना चालू, क्योंकि 67 इयर्स में जो आदत नहीं थी वो सडनली आदत, तो अपोज होना चालू हो गया। ओके, फिर आप फिर देखो, अपोज होता है तो उसके फिर नए नए लॉजिक आते हैं। स्मॉल, तुम स्मॉल बिजनेसमैन की नहीं सोच रहे हो, स्मॉल बिजनेसमैन कैसा जी पाएगा, उसको तो एडवांस ही चाहिए, बिना एडवांस के कैसे बिजनेस कर पाएगा? अरे यस और नो? और आप एडवांस पे जीएसटी क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बहुत सी बार कस्टमर जब एडवांस देता है तो वो यहाँ पे जीएसटी नहीं देता है, वो जीएसटी तब देता है जब बिल बनता है। अरे यस और नो? जैसे बहुत सी बार आपका एडमिशन लेना है और आपको मैंने फीस का 10,000 प्लस जीएसटी, तो आप क्या कहोगे, 3,000 रख लो, बाद में बाकी का दूंगा। अरे यस और नो? अब वो जब वो एडवांस देता है, कभी पार्टली देता है, कभी जीएसटी एलिमेंट बाद में देता है। अरे यस और नो? अब तुम यार क्या कर रहे हो, क्या पॉलिसी बना रहे हो, तुम छोटे बिजनेसमैन की सोच ही नहीं रहे हो। अगर छोटे बिजनेसमैन को एडवांस मिला तो वो अपने पॉकेट से जीएसटी देगा, क्योंकि बिल तो बाद में बनने वाला है। अरे यस और नो? तो पॉकेट से जीएसटी देगा, उसके ऊपर तो पहले उसके पास पैसा नहीं है, एडवांस लेके बिजनेस कर रहा है, ऊपर से उसके ऊपर बर्डन ला रहे हो। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट नहीं मानी, गवर्नमेंट ने यहां बहुत क्लियर था, और साथ में जीएसटी काउंसिल में सारे मेंबर का सपोर्ट था कि एडवांस पे जीएसटी लाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन यहां पे
क्या था कि 2017 में जब जीएसटी आया उसके बाद पहला इलेक्शन गुजरात का था, पहला इलेक्शन गुजरात का था। तो अब क्या था कि गुजरात के इलेक्शन यानी गुजरात के सारे बिजनेसमैन वालों ने, व्यापारियों ने प्रोटेस्ट किया कि अगर मोदी जी, तब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ओके, तब मोदी जी अगर आपने एडवांस का जीएसटी नहीं हटाया, अरे समझा है ना, तो भाई साहब गुजरात में हम आने नहीं देंगे। और तो गुजरात में मोदी जी नहीं आ रहे मतलब ना कट रहा है, अरे यस और नो। फिर इतना क्लियर कट मैसेज दिया बिजनेसमैन वालों ने कि गुजरात का इलेक्शन है, कुछ जीएसटी के स्ट्रिंजेंट प्रोविजन हटाओ, समझ में आया, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन हटाओ, ओके। अरुण जेटली जी 2 महीना नहीं माने, जुलाई अगस्त सितंबर तक नहीं माने। एट लास्ट अरुण जेटली जी का मोदी जी के साथ कुछ बातचीत हुई होगी, अरे है ना। तो ऐसे सिचुएशन में एट लास्ट उन्होंने सेक्शन से नहीं हटाया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन नंबर लाया। आई रिपीट, क्या तो नोटिफिकेशन नंबर लर्न करना है आपको, क्या 66/2017 मतलब ईयर कौन सा 2017 और नंबर 66/2017 नोटिफिकेशन लाया। अच्छा मुझे बताओ ये सेक्शन से हटाया या नोटिफिकेशन लाया? सेक्शन में आज भी वर्ड क्या है? आज भी वर्ड क्या है? मेड और अग्रीड टू बी मेड, समझ में आया क्या? यानी सेक्शन पढ़ो तो एडवांस पे आज भी जीएसटी है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ये जो नोटिफिकेशन लाया 66/2017, अब शायद ये डिसीजन हुआ होगा कि इलेक्शन होने दो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो ये शायद ये डिसीजन हुआ होगा। नोटिफिकेशन कहता है, ध्यान से सुनना है नोटिफिकेशन, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, आई रिपीट द वर्ड, क्या, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटी पेमेंट ऑन एडवांस शैल बी सस्पेंडेड एंड जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस, समझ में आया क्या? मतलब जब एडवांस मिला तब जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, कब देना पड़ेगा जीएसटी? एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस, मतलब बहुत बहुत लेमन लैंग्वेज में क्या कि अगर मैं आपको एग्री करता हूं माल बेचूंगा 5 लाख का और आज आप क्या दे रहे हो मुझे 1 लाख, तो अभी 1 लाख पे जीएसटी नहीं, या पूरा एडवांस दे रहे हो 5 लाख तो भी अभी देने की जरूरत नहीं, कब देना पड़ेगा? जब मैं सप्लाई करूंगा, इनवॉइस दूंगा, अरे यस और नो, तब मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। और ये नोटिफिकेशन आया और सब रिलैक्स हुए कि ठीक है, यहां पे समझ में आई बात। तो पर यहां पे ये बेनिफिट सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स को दिया गया, आई रिपीट, ये बेनिफिट सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स को दिया गया, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज को नहीं दिया। क्योंकि सर्विसेज को इसलिए नहीं दिया क्योंकि सर्विस टैक्स 1994 से आया था, तो सर्विस टैक्स को पहले दिन से एडवांस था, पहले दिन से एडवांस पे जीएसटी सर्विस टैक्स था, यानी सर्विस टैक्स जब से लॉ बना तब से ही एडवांस पे सर्विस टैक्स लग रहा था, तो वहां आदत हो चुकी थी। अरे यस और नो, यानी इंडिया के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर, 1994 में सर्विस टैक्स लॉ आया, और 1994 में जब सर्विस टैक्स लॉ आया तो पहले दिन से ही एडवांस पे सर्विस टैक्स लगाने की प्रोविजन थी। अरे यस और नो, तो वहां पे इतना अपोज नहीं हुआ। अपोज कहां हुआ? गुड्स में, क्योंकि एक्साइज और वैट में एडवांस पे टैक्स पे करने की आदत नहीं थी। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे ये बताओ ये पॉलिसी के साथ पढ़ने में मजा आ रहा है? अरे यस और नो, डन। तो ऐसे केस में अब मुझे कंक्लूड करके बताओ, अभी एडवांस पे टैक्स है क्या? हाँ है, पर कौन से सेक्टर में? हाँ, अगर आप सर्विस देते हो तो लगता है, यानी अगर आप एडमिशन, समझ लो मेरी बैच आने वाली यहां पे अप्रैल में है और आपने एडमिशन जनवरी में ले ली और आपने एडवांस जनवरी में दे दिया, तो क्या मुझे एडवांस पे ही जीएसटी देना पड़ेगा? यस, क्योंकि मेरी सर्विस है। पर अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूं तो नहीं, गुड्स के सप्लायर में देने की जरूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ऐसे केस में ये नोटिफिकेशन नंबर लर्न करना है, मैं लर्न करवा के ले लूंगा। कौन सा बेटा? 66। ओके, 66/2017। ओके, तो यहां पे चलो,
तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो जीएसटी पेबल ओनली ऑन क्या इनवॉइस बेसिस, अंडरलाइन करो इनवॉइस बेसिस, पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन एडवांस बेसिस इज क्या सस्पेंडेड, सस्पेंडेड। लेकिन अगर आपका सर्विस होगा, सर्विस होगा वेदर जीएसटी पेबल ऑन एडवांस, एडवांस और इनवॉइस विच एवर इज अर्ली, मतलब आपका इनवॉइस पहले बना तो तब, और एडवांस पहले मिला तो तब। आई होप यू अंडरस्टूड। तो नोटिफिकेशन 66/2017 या सप्लाई ऑफ सर्विस को अप्लीकेबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग टू मेड और अग्रीड टू बी मेड। एक छोटा सा और डिस्कशन लूंगा, एडवांस पे तो हो गया, देयर इज अ एग्रीमेंट फॉर सप्लाई। कभी कभी क्या होता है एग्रीमेंट बन जाते हैं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, समझ में आया क्या? जैसा यहाँ पे बांगर सीमेंट, बांगर सीमेंट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रही है एलएनटी के साथ कि भाई एक साल तक कंटिन्यूअस वो सीमेंट सप्लाई करेंगे। अरे यस और नो, किसके साथ कर रही है? एलएनटी के साथ। तो अब ये बांगर सीमेंट जो एग्रीमेंट कर रही है, अभी जस्ट एग्रीमेंट हुआ है, आई होप यू अंडरस्टूड ओके, लेकिन अभी एडवांस भी नहीं आया, जस्ट एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है पर अभी भी एडवांस नहीं आया और अभी भी सप्लाई चालू नहीं हुआ है, सीमेंट का सप्लाई चालू नहीं हुआ है पर एग्रीमेंट हो गया है। तो सवाल ये कि क्या एग्रीमेंट पर भी जीएसटी आता है? अगर टर्म देख रहे हो एग्रीड मेड और अग्रीड टू बी मेड, तो अगर आपने एग्रीमेंट भी किया तो भी मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जीएसटी लायबिलिटी आए। कुछ लोग कहते कि नहीं ये भाई जब तक एडवांस नहीं मिलता है तब तक नहीं आएगा, ये समझा नहीं समझा, पर मेरे हिसाब से एग्रीमेंट भी किया तो भी जीएसटी आएगा। लेकिन लेकिन नोटिफिकेशन 66/2017 कहता है कि अगर गुड्स का सप्लाई होगा, आई रिपीट क्या गुड्स का सप्लाई होगा तो इनवॉइस बेसिस पे ही है। हाँ, सर्विस का सप्लाई हुआ तो जीएसटी आ सकता है। सर कहना क्या चाहते हो, क्या कंक्लूड करें? मैं बस इतना कंक्लूड करना चाहता हूं कि गुड्स के केस में ओनली इनवॉइस बेसिस, सर्विस के केस में एडवांस या एग्रीमेंट होगा, आई रिपीट सर्विस के केस में एडवांस या एग्रीमेंट होगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है? यस ओके। चलिए तो ये डिस्कशन हमने यहां पर कंप्लीट किया, एक केस स्टडी यहां देख लेते, आ जाओ आपके नोटबुक में आ जाओ, ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 13 ओके P13। देखो मिस्टर सुरेश ऑफ राजस्थान, अच्छा तो ये नोटिफिकेशन लास्ट आई वांट टू कंक्लूड, ये नोटिफिकेशन 66/2017 जो कुछ टाइम के लिए लाया था वो विड्रॉ हो गया कि आज भी चल रहा है? आज भी चल रहा है, अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ, मतलब आई वांट टू कंक्लूड क्या आज भी गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं है जब तक इनवॉइस नहीं बनेगा तब तक, और सर्विस के एडवांस पे क्या जीएसटी है? यस ठीक है। चलो सप्लाई ऑफ गुड्स देखो यहां पे, मिस्टर सुरेश ऑफ राजस्थान सप्लाइड गुड्स एंड इशू इनवॉइस इन द मंथ ऑफ क्या डिसंबर, एक मिनट, इन सप्लाई कब कर दिया? मंथ ऑफ डिसंबर। क्या है बेटा, गुड्स है या सर्विस है? यहां बहुत जरूरी है डिसाइड करना, गुड्स होगा तो इन द मंथ ऑफ डिसंबर 20XX फॉर ₹20,000 टू मिस्टर रमेश ऑफ राजस्थान, मिस्टर सुरेश हैज रिसीव्ड एडवांस ऑफ 10,000 इन द मंथ ऑफ क्या सितंबर। एक मिनट, गुड्स के केस में एडवांस को इंपैक्ट करेगा? गुड्स के केस में क्या एडवांस को इंपैक्ट करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जीएसटी कब आएगा? इनवॉइस पे आएगा, इनवॉइस पे आएगा ना ओके। एस जीएसटी और सी जीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स 9% ईच एंड आई जीएसटी रेट क्या 18%। अच्छा सुरेश ने रमेश को, दोनों राजस्थान के हैं तो ये क्या है इंटरेस्ट डिटरमाइन जीएसटी पेबल। चलो लिखो फटाफट, राइट डाउन, एज पर सेक्शन 71A, एज पर सेक्शन 71A सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई supply includes all form of supply of goods or services 71A याद करो
ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस विच आर मेड और अग्रीड टू बी मेड, अंडरलाइन द वर्ड, क्या विच आर मेड और सेकेंड वर्ड अंडरलाइन करो, अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, लिखते वक्त पूरा ध्यान, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, देयरफॉर वी कैन से दैट, पैरा चेंज, देयरफॉर वी कैन से दैट जीएसटी इज पेएबल payable on advance received, on advance received for supply, for supply, मतलब पहला तो यह कि एडवांस पे भी टैक्स आता है, yes or no, but हाँ यह important line है, but as per notification 66/2017 एज पर एन बाय एन भी लिखा तो चलता है, एन बाय एन मतलब नोटिफिकेशन नंबर, या एन बाय एन मतलब नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अंडरलाइन द वर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटी payment on advance, GST payment on advance is suspended, suspended मतलब क्या, cancel की suspended, cancel मतलब withdraw हो गया और suspended मतलब postponed हो गया, अरे yes or no, is क्या suspended और ये आज भी suspended है जब तक notification 66/2017 चालू है, suspended, that is, that is GST is payable, that is GST is payable only on the basis of invoice, GST is payable only on the basis of kya, invoice and not on advance, and not on advance, discussion or conclusion likho, likho, in given case, in given case invoice is issued in the month of kaun sa, December 20xx, December 20XX, full stop, hence CGST 1800, 1800 कहां से आप पता है, हाँ 20,000 into 9%, hence CGST 1800 and SGST 1800 एक मिनट, अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सीजीएसटी 1800 और एसजीएसटी 1800 इज पेएबल इन द मंथ ऑफ क्या, डिसंबर, पर एक्चुअली वो डिसंबर में नहीं पे होता है, डिसंबर में तो ड्यू होता है, क्योंकि इनवॉइस कब का है, डिसंबर का, तो डिसंबर में वो ड्यू होता है, एक्चुअली वो कब पे होता है, जो डिसंबर की ड्यू डेट है, अरे अरे यस सर, अच्छा डिसंबर की ड्यू डेट कब आएगी, 20 जनवरी, जब रिटर्न फाइल करोगे, समझ में आया क्या, इसलिए ये वर्ड को केयरफुली समझो, वो ड्यू होगा दिसंबर में, आई होप यू अंडरस्टूड, तो देखो इज पेएबल विद इन द ड्यू डेट ऑफ द मंथ, इट इज पेएबल विद इन द ड्यू डेट ऑफ द मंथ ऑफ क्या, विद इन द ड्यू डेट ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर 20xx, अच्छा दिसंबर की ड्यू डेट कब आएगी,
अरे दिसंबर की ड्यू डेट कब आएगी? 20th ऑफ जन, दैट इज 20th जन। ये समझाना लाइन आपको? यस। अच्छा नेक्स्ट, नो जीएसटी इज पेएबल, नो जीएसटी इज पेएबल ऑन एडवांस रिसीव्ड, नो जीएसटी इज पेएबल ऑन एडवांस रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ क्या? सेप्टेम्बर, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। चलो नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल क्या लिया हमने? गुड्स का। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर एक आधा सर्विस का बताओ ना। क्यों सर्विस का? कुछ नहीं बोल रहा। तो यहां पे सर्विस का क्यों? क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर आता है? एडवांस पे। चलो यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस पे आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर गजना, गजनी नहीं गजना, ऑफ राजस्थान सप्लाइड सर्विसेस एंड इश्यू इनवॉइस इन द मंथ ऑफ क्या? दिसंबर 20XX फॉर द मंथ ऑफ क्या? 20,000 टू मिस्टर बिरजू ऑफ क्या? राजस्थान। दोनों राजस्थान के हैं, मतलब क्या है? इंट्रा। मिस्टर अच्छा वही तो कहूँ, एक्चुअली वो गजना नहीं है, गजानन है, एन रह गया, ठीक है वो एन ऐड कर दो, ठीक है। तो मिस्टर गजानन है। नेक्स्ट, मिस्टर गजानन हैज रिसीव एडवांस ऑफ रुपीज 10,000 इन द मंथ ऑफ क्या? सेप्टेम्बर। एडवांस मिला, सी जी एस टी रेट 9% इज। अच्छा मुझे बताओ अब इसकी जीएसटी लाइबिलिटी कैसे आई? एडवांस मिला, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बताओ कितने का था? ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 20 में से 10,000 एडवांस मिले, तो बताओ एडवांस पर जब मैं टैक्स दूंगा तो कितने अमाउंट पे आएगा? 10,000। कौन से मंथ में आएगा? सितंबर। सितंबर की ड्यू डेट कब? 20th। तो आप एग्जाम में इतना लिखो विद इन द ड्यू डेट ऑफ क्या? सितंबर। अरे हाय ना। नाउ दूसरा मुझे ये बताओ यहाँ पे बाकी बचे हुए 10,000 रुपये कब आएगा? जब उसका इनवॉइस बनेगा। अरे यस और नो? जब उसका उसका इनवॉइस कौन से मंथ में बना? दिसंबर। हाँ अब यहां तक कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। ओके कि सर फिर ये जीएसटी R1 में कैसे बताते हैं? अरे यहाँ है ना 3B में कैसे बताते हैं, वो आगे आगे जब चैप्टर बढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो इतना ही समझ लो, सितंबर में 10,000 पर और बाकी बचा हुआ दिसंबर में 10। चलिए लिखो पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट वैसा ही लिखो जैसा मैंने दिया, आदत लगाओ, मैं आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके फर्स्ट और सेकंड बिना देखे ट्राई करो या एक बार रीड करके बिना देखे ट्राई करो। ऊपर जो एग्जांपल में फर्स्ट और सेकंड था, चलो कोशिश करो पहला और दूसरा पॉइंट। Then, first और second point एक बार read करके try करो।
चलिए अब थर्ड पॉइंट यहां पे दिया है और वो दिया है एज पर नोटिफिकेशन 66 बाय 2017, सॉरी एज पर नहीं, नोटिफिकेशन 66 बाय 2017 इज नॉट अप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये समझा क्या? नोटिफिकेशन 66 बाय 2017 इज नॉट अप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हेंस जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड। जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड। चलो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। फर्स्ट, इन गिवन केस मिस्टर गजानन हैव रिसीव्ड द एडवांस ऑफ रुपीज 10,000, हैव रिसीव्ड द एडवांस ऑफ रुपीज 10,000 इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर 20xx. Then दैट इज क्या आएगा सेप्टेंबर की ड्यू डेट, दैट इज 20th October, एज फॉलोज। बेटा जो GSTR 3B की डेट होती है वो आपकी ड्यू डेट होती है, समझ में आया? जो GSTR 3B की डेट होती है वो आपकी ड्यू डेट होती है। इसलिए आपको 11th नहीं लेना है, आपको GSTR 3B की डेट लेना है, क्योंकि GSTR 1 तो स्टेटमेंट है बस। चलो निकल गया आपका GST। अच्छा रिमेनिंग GST कब पे करना है तो लिखो सेकंड पॉइंट, GST ऑन रिमेनिंग वैल्यू दैट इज रुपीज 10,000, GST ऑन रिमेनिंग वैल्यू दैट इज रुपीज 10,000 is payable when invoice is issued, when invoice is issued that is invoice kaun se month mein issue hua, December, so that is within the due date of December। अच्छा दिसंबर का 3B कब जाएगा, 28 जनवरी, तो 3B का डेट आपका ड्यू डेट होता है, दैट इज 20th Jan। वेर CGST रुपीज 900 एंड SGST रुपीज 900 इज पेबल। डन। तो हमारे दो वर्ड पे डिस्कशन चालू था, कौन से दो वर्ड पे, मेड और अग्रीड टू बी मेड। समझ में आया क्या, मेड और अग्रीड टू बी मेड, ये खत्म हुआ। अब ये बताओ, चार्ट देख के बताओ, 7-1-A का अब तीसरा क्या है, मेड और अग्रीड टू बी मेड के बाद नेक्स्ट क्या है, फॉर कंसिडरेशन। आ जाओ मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसका भी हम चार्ट बनाएंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स पे हम यहां पे अंडरलाइन कर लेते हैं। पेमेंट फॉर सप्लाई, ठीक है, कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, हाईलाइट द वर्ड मनी और अदरवाइज,
इन कनेक्शन विथ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. दूसरा मोनेटरी वैल्यू ऑफ एक्शन कंसिडरेशन ऑल्सो कवर्ड. ओके द मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट अंडरलाइन द वर्ड एनी एक्ट या फॉरबियरेंस रिलेटेड टू इन रिस्पॉन्स टू फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. सेकेंड पॉइंट पेमेंट पेमेंट वेदर मेड बाय रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसिडरेशन. अच्छा एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसिडरेशन मतलब वो एक्टिविटी को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और GST भी नहीं आएगा. हम बात करेंगे. ओके हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड्स सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या सेकेंड डिपॉजिट प्रोवाइडेड कंसर्निंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज नॉट कंसिडर एज अ पेमेंट. सब्सिडी और डिपॉजिट सर अंडरलाइन और हाईलाइट के अलावा कुछ भी नहीं समझा. कुछ भी नहीं समझा. समझ में आया क्या? सिर्फ हमें क्या समझ में आया? अंडरलाइन और हाईलाइट्स. चलिए आ जाओ. ओके मैं ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा. चार्ट बनाते हैं. ओके रिगार्डिंग टू कंसिडरेशन आ जाओ फटाफट. वहां पे भी आपके नोटबुक में भी जगह दी है नीचे. या आपको चार्ट बुक में बनाना है तो आप चार्ट बुक में भी बना सकते हो. मैं सजेस्ट करूंगा चार्ट बुक. अरे यस और नो? मैं सजेस्ट करूंगा चार्ट नोटबुक अगर फ्लो में चलना है. वो आपकी मर्जी. जो हमारी चार्ट नोटबुक है देन चलो यहां पे सेक्शन 231 लिखो कंसिडरेशन. सेक्शन 231 लिखो क्या? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन. अब देखो मैं आपको चार्ट बनाना सिखाता हूं. पहले तो इन्होंने दो पैरामीटर लिए है. पहला कंसिडरेशन मनी और अदरवाइज और दूसरा पैरामीटर क्या लिया? मोनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट या फॉरबियरेंस. तो पहले दो पार्ट बनाते हैं. मेक टू पार्ट्स. सॉरी पहले एक लाइन लिखो. इन रिलेशन टू SOG और SOS व्हाट डू यू मीन बाय SOG और SOS सप्लाई ऑफ सर्विसेस. इन रिलेशन टू SOG और SOS SOG और SOS इंक्लूड्स. नाउ मेक टू पार्ट्स. नाउ मेक टू पार्ट्स. पहला लिखो ए. फर्स्ट पार्ट लिखना ए. एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज. इन मनी और अदरवाइज ठीक है. बीच में और लिखो और आ जाओ बी में. द मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और सेकेंड डैश फॉरबियरेंस एक्ट और फॉरबियरेंस. अच्छा दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज करो. दोनों को कंबाइन करो. ऐसा दोनों को कंबाइन करो और दोनों के लिए कॉमन यूज करो. लिखो यहां पे कंबाइन करके दोनों को. इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू इन रिस्पेक्ट ऑफ और क्या? इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ
राइट डाउन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और क्या बोथ। चलिए ये आपने कॉमनली एक्सक्लूड कर दिया, अब यहां पे सेपरेट लिखो, यहां पे इसका सेपरेट लिखो, यहां पे इसका सेपरेट लिखो, यहां लिखो, यहां पे एरो करके, वेदर बाय रिसिपियंट और अदर पर्सन, वेदर बाय रिसिपियंट और अदर पर्सन, और नेक्स्ट यहां पे वेदर बाय रिसिपियंट, सेम सेम वर्ड, वेदर बाय रिसिपियंट और अदर पर्सन, रिसिपियंट और अदर पर्सन, ठीक है। अब ये पूरा क्लोज कर दो, क्योंकि सबके लिए अब कॉमन, ये पूरा क्लोज कर दो, और लिखो, कंसिडरेशन शैल नॉट इंक्लूड्स, कंसिडरेशन शैल नॉट इंक्लूड्स ए सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और सेकेंड डिपॉजिट, सब्सिडी को रेड पेन से अंडरलाइन, और सेकेंड डिपॉजिट फॉर पेमेंट ऑफ सप्लाई, डिपॉजिट फॉर पेमेंट ऑफ सप्लाई, डन। अनलेस, ऐसा ये जो डिपॉजिट को एरो करके बताओ, अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट, सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन, अप्लाइड सच, अप्लाई सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लायर, फॉर द सेड सप्लायर। चलो वन ऑफ द डिफिकल्ट डेफिनेशन, स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड को देखेंगे, दो मिनट का ब्रेक लेंगे, क्लास के बाहर कोई नहीं जाएगा, यस और नो, सॉन्ग और फिर ये डेफिनेशन, सॉन्ग मैं नहीं, आप में से कोई आना चाहता है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, माइक लेना बेटा, माइक लेना, क्लास के बाहर कोई नहीं जाएगा, दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अब हेलो ट्राई करो एक बार, आ जाओ इधर, हाँ योर नेम बेटा, इशिका, इशिता, तो कौन सा मराठी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग क्या गा रहे हो, हिंदी सॉन्ग, तो यहाँ पे इशिता आपके लिए एक हिंदी सॉन्ग लेके आ रही है, तो आर यू रेडी, यस इशिता कंटिन्यू, दूसरा माइक लो, हाँ बोले बोलो, हेलो, अरे ब्रेक है, ब्रेक जैसा लगना चाहिए नालायको, आर यू रेडी, दो मिनट का ब्रेक है, हाँ। उसको छुपा कर मैं सबसे कही ले चलू कहीं दूर,
आँखों के प्यालों से पीता रहूं उसके चेहरे का नूर, इस जमाने से छुप कर पूरी कर लूं मैं हसरत, है तुझे भी इजाजत मुझसे कर ले मोहब्बत, इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा तू जी ले जरा, अच्छा इशिता बहुत बढ़िया गया बेटा। सो आप में पढ़ाई के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं। हाँ तो चलिए अच्छा एक सॉन्ग याद आ रहा है ये भी एक सॉन्ग था मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था, पुराना सॉन्ग है, हमने तुमको देखा, ठीक है रुक जा नालायक पहले मुझे तो स्टार्ट करने दे। हो हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे, यस कम ऑन, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे, आंखों का रह रह के झुकना झुक के मिल जाना कर देती है यही अदाए हमको दीवाना, आंखों का रह रह के झुकना झुक के मिल जाना कर देती है यही अदाए हमको दीवाना, हुआ यू सामना जरा दिल थामना, हुआ यू सामना जरा दिल थामना, हो हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे, यस कम ऑन, ला 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 ला, थैंक यू सो मच। हाँ क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, थैंक यू सो मच। हेलो हो गया तुम्हारा टाइम पास, हाँ सर आपको मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड से बुलाया नालायक ये तुम्हारे टाइम पास के लिए हा? मैं कोई सिंगर नहीं टीचर हूं, ठीक है तो यहां पे टर्न ओवर डिस्कशन, चुप, कंट्रोल कंट्रोल,
Now, turn to our discussion. The definition, consideration, बहुत सारे parameters, लेकिन हर parameter को हम step by step, case study के साथ समझने की कोशिश करेंगे. Yes or no? Yes, are you ready? Yes, sir. How's the Josh? Yes, sir. Yes, चलो ठीक है. गवर्नमेंट ये कहती, अरे ये ऐसा जीएसटी काउंसिल है कि जिसमें सॉन्ग होते नालायक. सो भी फाइनेंस मिनिस्टर टाइम पर, और कोई मेरा आवाज अच्छा हो या ना हो कोई पूछता है, अरे गाने देना, टाइम पास हो रहा है, गाने देना. ठीक है, अच्छा है. तो यहाँ पे और ये रियली टाइम पास के लिए, उसके लिए उससे ज्यादा और कुछ नहीं है. ओके, तो नाउ ये बेटा एडिशनल सर्विस है. ठीक है, जो आपको एंटरटेनमेंट के लिए जाती है. ठीक है, इज अ कंपोजिट सर्विस विथ एजुकेशन. ठीक है, नाउ इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट, हम जीएसटी काउंसिल में जीएसटी की पॉलिसी डिसाइड करते वक्त एक मेजर डिसीजन आज लेना चाहते हैं, और वो ये मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं कि अगर सप्लायर को कंसिडरेशन मिलता है तो ही जीएसटी लगाएंगे. मतलब फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं लगाएगा. आई होप हम अननेसेसरी सप्लायर के पॉकेट पे जीएसटी का बर्डन डालना नहीं चाहेंगे जहां उसको कुछ मिला ही नहीं. भाई मिलेगा तो जीएसटी लगाना जस्टिफाइबल होगा, पर उसको अगर कुछ मिला ही नहीं तो जीएसटी लगाना किस बात का जस्टिफाइबल होगा. ये अगर हम सिर्फ इतना कहे कि बिजनेस पर ही जीएसटी लगा देते हैं फिर तुमको मिले ना मिले, तो एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होगा. भाई हम गवर्नमेंट है, कोई गब्बर सिंह नहीं है. समझ में आया क्या कि यहाँ पे ठीक है जीएसटी का एक मीनिंग गब्बर सिंह टैक्स भी होता है. जीएसटी, अरे यार जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है हम यही कहेंगे कि भाई हम गवर्नमेंट है, पब्लिक से चुनी हुई गवर्नमेंट है, पब्लिक ने हमको चुन के दिया है, हमको उनका भी इंटरेस्ट ध्यान में रखना है. इसलिए कोई बिजनेस में फ्री एक्टिविटी करता है, जैसे यहाँ क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, मैंने फ्री बैठने दिया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. समझ, क्योंकि जब कुछ मिला ही नहीं तो जीएसटी किस बात का. पहले तो हम कुछ ले नहीं रहे, ऊपर से जीएसटी किस बात का बर्डन डाल रहे. अगर कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है बालाजी को डोनेशन करता है, शायद मैंने एग्जाम्पल लिया था, बालाजी को डोनेशन करता है उसको कुछ मिला ही नहीं तो जीएसटी मत लगा. और कंसिडरेशन इन इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, कुछ कमर्शियल कंसिडरेशन होने चाहिए. ठीक है, तो ऐसे केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज हम इस पॉलिसी में डिसीजन लेना चाहते हैं कि अगर आपका सप्लाई में सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्शन, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, कुछ भी हो, एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगाया जाएगा. अभी तो यही याद करो, फिर इसके कुछ आगे एक्सेप्शन आएंगे. अरे आए ना, जैसा स्टॉक ट्रांसफर, पर उसका ऑब्जेक्ट अलग है क्योंकि आईटीसी चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए. अरे यस और नो, तो वो अभी यही फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आएगा. ये बहुत अच्छा डिसीजन था और उसके वजह से क्या हुआ, जीएसटी लॉ एटलीस्ट कुछ सक्सेसफुल, मतलब एज अ प्रिंसिपल सक्सेसफुल हुआ. इंप्लीमेंटेशन बहुत बेकार हुआ इनिशियल स्टेज पे, अब वो कंट्रोल में आ रहा है. समझ में आया क्या, तो फॉर कंसिडरेशन होगा. और यहाँ पे अब कंसिडरेशन यानी क्या, अगर हम कंसिडरेशन बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन करें, चलो सेकेंड पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि कंसिडरेशन तो होना जरूरी है अगेंस्ट माई सप्लायर, तो ही सप्लायर जीएसटी देगा और बर्डन पास ऑन करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. अब दूसरा बात क्या है कि कंसिडरेशन सिर्फ मनी में रखे क्या, कि भाई जिसको मनी में मिला उस पे जीएसटी नहीं. अगर मनी में, अगर हमने ऐसा लिखा कि कंसिडरेशन ओनली इन मनी, तो लोग क्या करेंगे, बार्टर, फिर बार्टर का सवाल ही नहीं आता फिर तो. अरे आए ना बार्टर एक्सचेंज, फिर हमने वर्ड डाले हुए ऑलरेडी, क्या बार्टर एक्सचेंज, मेरी बात समझे क्या. तो जब डेफिनेशन डिफाइंड हुई तो उन्होंने क्लियर कहा कि कंसिडरेशन मिलेगा तो ही जीएसटी आएगा. कंसिडरेशन को डिफाइन कर देते हैं कि आपको अगर मनी में मिला
समझो सामने वाला पेमेंट कर रहा है और किस में पेमेंट कर रहा है, मनी में, मतलब कंसिडरेशन, या अदरवाइज भी कर रहा होगा, अदरवाइज मतलब लिखना होगा तो काइंड में, समझ में आया, काइंड में मतलब क्या, मतलब अगर आप ज्वेलर शॉप हो और ज्वेलर वाला आप न्यू ज्वेलरी दे रहा है, अरे है ना, अगेंस्ट ओल्ड कंसिडरेशन, ओल्ड ज्वेलरी होगा या जो भी होगा, मनी में नहीं होगा, पर उसको कंसिडरेशन मिला है, काइंड में मिला है, ये तो कॉमर्स का बेसिक प्रिंसिपल है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पढ़ रहे हो आप, अरे यस और नो, मनी या अदरवाइज, तो ऐसे केस में अदरवाइज कंसिडरेशन होगा तो भी जीएसटी आएगा। कुछ मैंने पहले की बात है, एक आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट ने यहां पे जो हिंजेवड़ी में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था और वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में उसने आर्किटेक्ट सर्विस दी, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया, आर्किटेक्ट सर्विस दिया और उसने पैसा नहीं लिया बिल्डर में, उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया, उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया। आप आर्किटेक्ट के एंगल से सोचो, आर्किटेक्ट ने क्या सप्लाई किया, फ्लैट की सर्विस, हम आर्किटेक्ट की लायबिलिटी देख रहे हैं, तो आर्किटेक्ट को सर्विस के अगेंस्ट में क्या मिला, फ्लैट मिला, कंसिडरेशन इज देयर, अरे यस और नो, तो क्या वो आर्किटेक्ट सर्विस पे जीएसटी आएगा, यस yes. मैंने उसको कहा कि भाई तुझे फ्लैट भी मिला होगा तो जीएसटी असेस करना पड़ेगा, कंसिडरेशन इज देयर इन अदरवाइज मिला है। अब कोई ये बोलेगा सर फ्लैट पे जीएसटी, इमूवेबल पे जीएसटी थोड़ी आता है, मैं मेरा सप्लाई इमूवेबल है ही नहीं, मेरा सप्लाई आर्किटेक्ट सर्विस है, मेरे सर्विस के अगेंस्ट में कुछ भी मिले, अरे यस और नो, तो ऐसे केस में जीएसटी आएगा और मैं असेसमेंट आर्किटेक्ट सर्विस का करूंगा, मैं एचएसएन कोड आर्किटेक्ट सर्विस का दूंगा, एचएसएन कहीं तो भी पढ़ा था पहले, टैक्स इनवॉइस में एचएसएन कोड देना पड़ता है, समझ में आया क्या, मैं थोड़ी बिल्डिंग थोड़ी सेल हो रही है, समझ में आया क्या, तो ऐसे केस में मनी या अदरवाइज काइंड में होगा तो भी जीएसटी लगाया जाएगा। नाउ दूसरा ये देखो, इन्होंने और स्कोप बढ़ाया, मैं सभी जीएसटी काउंसिल मेंबर को कहना चाहूंगा कि भाई मनी और अदरवाइज तो ठीक है, लेकिन हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, मैं प्रपोजल रखना चाहूंगा, सभी मुझे इसके ऊपर अपना अप्रूवल दे और अकॉर्डिंगली हम पॉलिसी बनाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस में वैट में, एक्साइज में वगैरह, बहुत सी बार कंसिडरेशन मनी अदरवाइज के अलावा भी मिलते हैं, जो बहुत बड़े कंसिडरेशन होते हैं और उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे कि भाई अदर कंसिडरेशन में एक्ट या फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस मतलब कुछ छोड़ देना, समझ में आया क्या, अभी वाइन वाला एग्जाम्पल बीच में मत लाना, वाइन वाला का कॉन्टेक्स्ट अलग है, अभी मैं जो एग्जाम्पल दूंगा उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, समझ में आया। तो अगर किसी के दिमाग में वाइन वाला एग्जाम्पल होगा जो अभी मॉर्निंग में दिया था, वो आया दिमाग में तो बोला रुक जा, तेरा कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये समझ में आया। अब वो ये रियल एग्जाम्पल है मेरे लाइफ का, हर बैच में देता हूं, आपको भी दूंगा। 2007 में मेरी शादी हुई, मैं वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर, तो जब पुणे में आए तो उसका प्रैक्टिस था नागपुर में, पर देन शिफ्टेड टू पुणे। अब पुणे में आने के बाद उसने मुझे कहा कि विशाल मुझे पुणे में भी प्रैक्टिस चालू करना है। मैंने कहा हाँ ईशू कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पुणे में भी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, पर कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे लिए भी नया नया था, क्लास डेवलप हो रहा था, अरे यस और नो, ओके, और उसके लिए तो पूरा नया था, अब क्या करें। कुछ दिनों बाद मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया जो मेरे साथ सीए कर रहा था, वो बॉम्बे में जॉब कर रहा था, और उसने कहा विशाल क्या कर रहा है, कुछ नहीं क्लासेस चालू यार, तो उसने मुझे कहा अरे यार मैं पुणे शिफ्ट हो रहा हूँ और मैंने एक 3 BHK फ्लैट लिया है, वेरी गुड, पर यार मैं कोई पुणे का इंटीरियर देखना, मुझे उसका फ्लैट का इंटीरियर करवाना है, अरे है ना, मन में एक लड्डू फूटा ओके मन में एक लड्डू फूटा। मैंने कहा कि अरे यार तेरी भाभी इंटीरियर डेकोरेटर है, अच्छा भाभी इंटीरियर डेकोरेटर है यार, तूने बताया नहीं, फिर तो घर की बात है, घर की बात सुन ओके फिर मेरा घर की बात है। फिर मैंने कहा यार ओके यहाँ पे
हाँ मैंने कोई दिक्कत नहीं, अभी उसका प्रैक्टिस था नागपुर में, अब वो यहाँ स्टार्ट करने वाली है, तो तू उसके डिज़ाइनिंग देख सकता। वो थोड़ी देर बाद उसने कहा, देख विशाल मैं भाभी का सर्विस पहला प्रोजेक्ट है, प्रोफेशनल बेसिस पे लूँगा, फीस देनी पड़ेगी। मतलब रहने दे यार, घर घर की बात है। अरे सर जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये लेना पड़ेगा। और उसने जो है वो एक दिन आया, और उसने यहाँ पे आने के बाद फ्लैट की मेरे वाइफ के हाथ में दे दी। टर्न की प्रोजेक्ट, कभी नाम सुना है टर्न की प्रोजेक्ट? कि भाई ये की है, आप डिजाइनिंग भेज दो, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको ही करना है। मैं 3 महीने बाद आऊँगा कि टर्न करूँगा, प्रोजेक्ट शुड रेडी टू यूज। अरे याद है ना, जिसे कमर्शियल लैंग्वेज में 2 वर्ड यूज करते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा खत्म करके देना, बस वो की टर्न करेगा। समझ में आया? तो उसने की दे दिया, भाभी आप मुझे मेल कर दो डिज़ाइन, मैं अप्रूव कर देता हूँ, फिर कारपेंटर आप ही डिसाइड करो। अरे यस और नो? फर्नीचर आप डिसाइड करो, सब कुछ आप, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह जॉब को जाता हूँ 8 बजे, रात को आता हूँ 9 बजे। अरे यस और नो? आपको पूरा रेडी करना है, सिर्फ मुझे डिज़ाइन दे देना। डिज़ाइन भेज दी गई, अप्रूवल आ गया, फिर यहाँ कारपेंटर टीम हमने जमा किया। ओके, और यहाँ पे फिर मैं तो अपना क्लास में बिजी था, वो अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। 6 दिन बाद मैंने देखा, जब क्लास से घर पे गया तो देखा मेरी वाइफ उदास बैठी है। मैंने कहा क्या हुआ इशू? तो ओके अभी तो ठीक है, तब तो चलते रहता था, नई नई शादी थी, जानू क्या हुआ, इशू क्या हुआ। हाँ तो अब तो यहाँ पे बोला क्या हुआ? ओके नहीं, अभी तो ऐसा आता है, रोज सुनने मिलता है, वो तुम पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, तो अब ऐसे केस में साइलेंट। तो अब मैंने यहाँ पे मैं गया, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो शी सेड ऐसा हुआ कि हमने जब इंटीरियर का काम चालू था और हमारे पास 3 मंथ्स हैं, तो हमें तो यहाँ पे दिन रात वहाँ कारपेंटर को तो वर्क करना ही है। तो ऐसे इस केस में बाजू वाला जो नेबर है उसने ऑब्जेक्शन लिया सोसाइटी में, और उसने कहा कि सुबह 9:30 के बाद ही वर्क चालू होगा, दोपहर को हमारे सोने का टाइम है। अरे है ना, 2 घंटा वर्क नहीं होगा, हमें डिस्टर्ब होता है, और इवनिंग में 7:30 के बाद वर्क नहीं होगा। अगर मैं इतना ही वर्क करूँ तो फिर इसके मुश्किल है 3 महीने में कंप्लीट करना, और आपके फ्रेंड तो कह रहे हैं कि 3 महीने में कंप्लीट करना है। मैंने कहा चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, उनसे बात करते हैं। हम दोनों गए वो नेबर्स के, उन्होंने बैठाया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखो 3 महीने में काम कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूस वर्क करना पड़ेगा। हाँ आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आवाज़ वगैरह की वजह से, बट ओके प्लीज़ आप सपोर्ट करो, आपने जो सोसाइटी में ऑब्जेक्शन लिया है वो विड्रॉ करो। अरे यस और नो? नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा वैसा। फिर मैंने देखा कि उनका भी इंटीरियर नहीं हुआ था। अरे ओके, उनका जो हॉल था उनका भी इंटीरियर नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उनको एक ऑफर दिया, मैंने कहा देखो आपके हॉल का भी इंटीरियर नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा देखो अभी इधर का काम चालू है, मेरी वाइफ कर रही है, साथ साथ में ये भी कर लेते। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी हमें करना ही नहीं है। मैंने बोला आपको पैसे कौन मांग रहा है? अरे यह सुनो भाई, मेरे वाइफ की सर्विस और कारपेंटर की सर्विस आपको फ्री रहेगी, साथ साथ में काम कर लेंगे, सिर्फ आपको मटेरियल का देना पड़ेगा, वो भी हम लमसम में ला रहे हैं, उसमें आपको डिस्काउंट में हो जाएगा। अरे यस और नो? थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा ठीक है, ये हम सिर्फ मटेरियल ला के देंगे, हम इंटीरियर का और कारपेंटर का पैसा नहीं देंगे। तो मेरे वाइफ ने बात सर्विस किया, समझ में आया क्या? मेरी वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस उनको फ्री दे रही है, पर रियल सेंस में ये फ्री है क्या? इसके अगेंस्ट में हमने क्या डिमांड किया बताया क्या? कि जो ऑब्जेक्शन तुमने लिया है वो विड्रॉ करो। समझ में आया? मतलब फॉरबियरेंस, आई रिपीट द वर्ड, क्या फॉरबियरेंस करो। तो अब मुझे बताओ
या सर्विस फॉरबिडेंस है या यहां सर्विस एक्टिव है कुछ? सर्विस तो एक्टिव है, इंटीरियर डेकोरेटर, कंसिडरेशन फॉरबिडेंस नहीं समझा? सर्विस तो बहुत एक्टिवली हो रही है क्या? कारपेंटर जा रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस, अरे आया ना, तो यहां सर्विस एक्टिवली हो रही है, कंसिडरेशन फॉरबिडेंस। वाइन के केस में सर्विस ही फॉरबिडेंस थी, नहीं समझा? वाइन के केस में उसने क्या किया? मुझे पैसा दो, अरे आया ना, वहां कंसिडरेशन मनी था, सर्विस थी फॉरबिडेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे केस में यस, लॉ ये कहता है कि हाँ, फ्री सर्विस या गुड्स पे जीएसटी नहीं आता है, पर वो रियल सेंस में फ्री होना चाहिए। समझ में आया क्या? रियल सेंस में फ्री होना चाहिए, मतलब आपको मनी में, अदरवाइज में, या कोई एक्ट या फॉरबिडेंस में किसी भी टाइप का कंसिडरेशन आपको नहीं मिलना चाहिए, तो फ्री मानेंगे। ये केस में बोलने के लिए फ्री है। चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर कर देखो ना, मौसम पल भर में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में कितना है दम, दिल में उतर कर देखो ना। ओके, ठीक है। तो जहां तक अगर मैं आपको कहूं तो कमर इधर ध्यान दो। तो ऐसे केस में अब मैं थोड़ा एक्चुअल कमर्शियल लैंग्वेज में, तो मैंने घर का एग्जांपल दिया, पर हाँ उसका असेसमेंट करना पड़ा, पर उनका थ्रेशोल्ड के नीचे था। अरे यार, नया स्टार्टअप था, इसलिए जीएसटी का सवाल ही नहीं था, पहले ही प्रोजेक्ट था, तब तो सर्विस टैक्स था। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, पर आज जो है बहुत सारे बिल्डर स्लम रिहैबिलिटेशन करते हैं, समझ में आया क्या? कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। अच्छा, वो दिखने में फ्री होता है, पर वो रियल सेंस में फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो स्लम वाले हैं वो अपने राइट्स छोड़ रहे हैं, यानी बिल्डर को कुछ मिल रहा है। अरे यस और नो? भाई यहाँ पे सिटी एरिया में तू मुझे जगह दे दे, मैं तुझे दूसरी जगह बांध के देता हूँ, या तू आधी जगह मुझे दे आधी, तो वो अपने राइट छोड़ रहे, मतलब फॉरबिडेंस है, एक्ट है। मेरी बात समझ में आया क्या? क्या बिल्डर जो कंस्ट्रक्ट करके देगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा? हाँ, वो फ्री नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो आपका कंसिडरेशन जो लिया जाएगा, कंसिडरेशन इन मनी अदरवाइज या एक्ट या फॉरबिडेंस, यहां कंसिडरेशन फॉरबिडेंस है, सर्विस एक्टिव है, गुड्स एक्टिव है। समझ में आया क्या? तो ये केस में, अच्छा, ये जो आपको मनी अदरवाइज एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर सप्लाई, इन रिस्पॉन्स टू योर सप्लाई, या फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ योर सप्लाई, इन रिस्पॉन्स टू योर सप्लाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर सप्लाई मतलब डायरेक्ट सामने वाले से मिल रहा है, इन रिस्पॉन्स टू योर सप्लाई मतलब आपसे नहीं मिल रहा है, मतलब जो मेरा गुड्स ले रहा है सर्विस उससे डायरेक्ट नहीं, पर उसके बिहाफ पे कोई दे रहा है। इन रिस्पॉन्स टू योर सप्लाई का सिंपल मीनिंग, जब आप एडमिशन लेने जाते हो, सर्विस में आपको दे रहा हो पर आपके पापा पे कर रहे हैं। अरे ये सर नो, इन रिस्पॉन्स टू योर सप्लाई। ओके, या फॉर इंड्यूसमेंट, लेता हो इंड्यूसमेंट का मतलब, तो पेमेंट करने वाला रिसिपियंट हो या उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन हो। अब इसका एक बेस्ट केस स्टडी लेता हो, उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन हो। ओके, इसका बेस्ट केस स्टडी है, आप बाइक खरीदते हो या कार खरीदते हो, आपके लिए थ्री सर्विसिंग फ्री होती है, पर रियल सेंस में वो फ्री नहीं होती है। रियल सेंस में समझ लो, मेरा सर्विस सेंटर है, आपने नई बाइक खरीदी, आप आते हो भाई फ्री सर्विस, पहली फ्री सर्विस करवाना है, आपको एक कूपन देना पड़ता है, या आपके वो इसमें एक कूपन रहता है, आरसी नहीं, वो एक बुकलेट आती है ना डिटेल्स, उसमें एक कूपन होता है, देखना कभी। तो जब आपकी पहली सर्विसिंग होती है तो वो कूपन निकाल लेता है और वो कूपन भेजता है कंपनी को। अरे यस सर नो? और उसका पेमेंट कौन करती है? कंपनी करती है, कंपनी करती है। तो मुझे बताओ, दिखने में सर्विस आपको गई, पर आप पे कर रहे हो या आपके बिहाफ पे कोई पे कर रहा है? आपके बिहाफ पे कोई पे कर रहा है, तो पेमेंट रिसिपियंट से हो या किसी अदर पर्सन से हो।
तो वो फ्री नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी आते हैं। मेरे दो क्लाइंट्स हैं जो सर्विस सेंटर है और कंपनी से जो भी पैसा आता है जीएसटी पे करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू योर सर्विस और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ योर सप्लाई। सप्लाई इंड्यूस करने के लिए आपने कुछ दिया। अब ये इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई का एक एग्जाम्पल समझ लो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चीजें इंड्यूस कैसे की जाती है, इंड्यूसमेंट जैसे यहां पे पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, अरे यस और नो, यहां पे बीच में बहुत से ढाबे वाले रेस्टोरेंट वाले थे तो वो इंड्यूस करते थे ट्रेवल्स वालों को कि भाई तेरी ट्रेवल्स यहां रोक, मेरे रेस्टोरेंट पे रोक, ठीक है, अगर तू मेरे रेस्टोरेंट पे रोकेगा तो मैं तुझे फ्री फूड सप्लाई करूंगा। अब मुझे बताओ, जो ड्राइवर को फ्री फूड सप्लाई कर रहे हैं वो रियल सेंस में फ्री है या इंड्यूस किया जा रहा है? इंड्यूस किया जा रहा है, कुछ तो उसको गेन है। भाई साहब, अगर किसी भी तरह से आपको कमर्शियल गेन पता चला तो वो फ्री नहीं बोला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो फिर वो मनी में मिल रहा हो, अदरवाइज मिल रहा हो, या एक्ट मिल रहा हो, या फॉरबियरेंस मिल रहा हो, पर रियल सेंस में फ्री होगा, आपने सच में कोई फॉर्म में कुछ नहीं लिया होगा, फ्री दिया होगा, तो फिर जीएसटी नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चारों वर्ड समझ में आए? ये वर्ड समझ में आए, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट। ओके, चलो अब लास्ट टू लाइन खत्म करते हैं। अब वो कहते हैं कंसिडरेशन में दो चीजें नहीं आएगी, बताओ कौन सी दो चीजें नहीं आएगी? सब्सिडी बाय गवर्नमेंट। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लेना चाहूंगा और हमारी काउंसिल मीटिंग आज की हम एंड करेंगे, ठीक है, पर आपका डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ऑनलाइन सभी कनेक्टेड है ध्यान दीजिएगा, बहुत सी बार सेलर को कंसिडरेशन मिलते हैं सब्सिडी फॉर्म में। समझ लो मेरी फर्टिलाइजर, आई रिपीट द वर्ड, क्या फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री है, शॉप है, ये फर्टिलाइजर्स फार्म में यूज किए जाते हैं बाय द फार्मर। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 30% सब्सिडी दी है, अरे यस और नो। अब सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है मतलब क्या, अगर मैं किसी फार्मर को यहां पे सेल कर रहा हूं तो वो सिचुएशन में अगर ये फर्टिलाइजर की प्राइस, ये फर्टिलाइजर की प्राइस अगर 100 होगी, आई रिपीट, फर्टिलाइजर की प्राइस अगर 100 होगी तो इसमें से 30 रुपया गवर्नमेंट देगी, 30 रुपीज गवर्नमेंट देगी और मैं फार्मर से 70 लूंगा। ये समझ में आया क्या? तो यहां पे मेरा इनवॉइस कैसे बनेगा? अगर यहां पे मैं इनवॉइस बनाऊं, कोई भी फर्टिलाइजर शॉप ले लो, ओके, या फैक्ट्री ले लो, और वो इनवॉइस बना रहा है, समझ लो वो इनवॉइस बना रहा है एक्स वाई जेड जीएसटी नंबर, बायर कोई फार्मर जिसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ओके, और वो फर्टिलाइजर सेल कर रहा है, यहां पे कोई फर्टिलाइजर सेल कर रहा है। अब जब ये फर्टिलाइजर सेल करेगा, एचएसएन कोड क्वांटिटी, ओके, 10 kg, समझ में आया क्या? ओके, जो भी यूनिट प्राइस जो भी होगा, अब इसमें जो है इसको ये प्राइस लगाएगा 100, आई रिपीट, प्राइस लगाएगा 100, लेस क्या करेगा? सब्सिडी। लेस क्या करेगा? सब्सिडी 30, कितना फार्मर से कितना लेगा? फार्मर से कितना लेगा? 70। समझ में आया? अब फार्मर को जब बिल दे रहा है, यहां पे फार्मर को जब बिल दे रहा है तो वो जीएसटी कितने पे लगाएगा? हाँ रुको, ओके, यहां पे जीएसटी कितने में लगाएगा? क्योंकि उसको मिलेगे तो 100 ही, कैसे 100 मिलेगा उसको? 70 फार्मर से मिलेंगे, 30 गवर्नमेंट से मिलेंगे तो 100 ही, पर जीएसटी कितने में लगाएगा? तो गवर्नमेंट कहती है कि जो सब्सिडी मिलेगी वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। अरे समझ में आया क्या? इन शॉर्ट जीएसटी कितने में लगेगा? 70। जीएसटी 70 पे ही लगेगा, सब्सिडी आपके कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। यानी सीजीएसटी और जीएसटी 70 पे लगाएंगे, पर ख्याल रहे, ओके, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पे इस डेफिनेशन में गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी तो छोड़ेंगे। आई रिपीट, क्या? कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपको सब्सिडी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, सब्सिडी क्या? प्राइवेट ऑर्गेनाइज। सर एक एग्जांपल दो ना, बस लास्ट। यहां मैंने
बहुत दिन पहले एक स्टडी सेंटर चालू किया था स्टूडेंट्स के लिए, कॉस्ट बेसिस पे चला रहा था यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कि भाई जैसा जितनी कॉस्ट लगे उतना आपको मिलेगा। समझ लो 500 स्टूडेंट पर मंथ पर स्टूडेंट, ठीक है, तो 500 रुपीस पर मंथ पर स्टूडेंट मैं चार्ज कर रहा हूँ स्टडी सेंटर का। एक ट्रस्ट थी, उसको ट्रस्ट को मेरा वेंचर पसंद आया कि चलो स्टूडेंट के लिए कुछ हो रहा है। अरे यस और नो? तो उसने कहा कि सर आप जो 500 चार्ज कर रहे हो उसमें से 100 रुपीस जो है हम प्रोवाइड करेंगे पर स्टूडेंट। तो अब क्या हुआ, मैं आपसे 500 लूंगा या 400 ही लूंगा? 400 और 100 उससे लूंगा। पर ये सब्सिडी गवर्नमेंट की है या प्राइवेट की है? ये वैल्यू में ऐड होगा, ये समझ में आया? ये वैल्यू में ऐड होगा, मतलब मैं आपको बिल 400 का दूंगा पर जीएसटी 500 पे लगाओ। एक मिनट, आपको बिल मतलब मेरी प्राइस 400 होगी, टैक्सेबल वैल्यू 500 होगी। ये समझा नहीं समझा? टैक्सेबल वैल्यू 500 होगी, आप मुझे 400 दोगे प्लस जीएसटी 500 पे दोगे, तो वो मुझे वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव एक्सक्लूडेड ओनली द सब्सिडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स हो गए तो वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा, जैसे कस्टमर से डिपॉजिट मिलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, तो वो भी वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में, आज का सेशन यही रुकते हैं। टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी वंदनों को छोड़ के आना। बाय बोलो बच्चों, ओके, कल मिलते हैं मॉर्निंग शार्प एट 7:30। हाँ, फॉरबिनेंस में जीएसटी का बर्डन कैसे पास ऑन होगा कल बताऊंगा, कल बताऊंगा बेटा। हाँ, आज का कोई डीपीक्यू नहीं है, कल मैं डीपीक्यू दूंगा। आज का कोई भी डीपीक्यू नहीं है, कल मैं दूंगा, कल दूंगा बेटा डीपीक्यू। देख आज बैकअप आज आ जाएगा बेटा आपको, फेस टू फेस वालों को आज सारे बैकअप आ जाएंगे इवनिंग तक। डीपीक्यू आज नहीं है, कल लेते हैं। इंड्यूसमेंट मतलब कुछ ऐसा करना कि जिसके रिटर्न में कुछ मिलने की इच्छा हो। एडवांस पेमेंट में आप डॉक्यूमेंट क्या देते हो हिमांशु, ये मैं आगे बताऊंगा। एडवांस पेमेंट के वक्त आप डॉक्यूमेंट कैसे देते हो? नहीं, सेकंड और थर्ड चैप्टर का डीपीक्यू मैंने एक ही चैप्टर में लिया है हमारे क्वेश्चन में, कल देता हूं डीपीक्यू आप। फिर अगर इन केस उसका टर्नओवर लॉस होता है फिर वो कम हो, जैसे कि 10 लाख होता है लगातार, फिर 2-3 साल तक 10-12 लाख कैंसिल कर सकते, वो कैंसिल